सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज रविवार के दिन और छठे नवरात्रे पे। देवी माँ की कृपा सब पर बनी रहे और नववर्ष सबके लिए मंगलमयी हो। और आज की इस लाइव में जिनकी आपको बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, जिनके लिए हम सबकी प्रार्थनाएं थी कि वो स्वस्थ हो जाएं, ही इज बैक। तो आज वो जुड़ेंगे हमारे साथ और मैं देख रहा हूँ कि दर्शक भी बहुत प्रसन्न है। हाँ जी, तो फैल जी इज बैक। इसका जो विषय था हमारा वो तो फैल जी क्योंकि जुड़ गए हैं तो मैं उन्हें जोड़ लेता हूँ पहले, फिर वहीं से इसको आरंभ करते हैं। प्रणाम जी। दर्शक बहुत प्रसन्न है और आपका बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि आप आएंगे और फिर हमारे साथ साझा करेंगे। अभी भी थोड़ी सी मुझे लगता है कमी है अभी स्वास्थ्य में। कसर है। जी, तो मैं जो दर्शकों से कहने वाला था कि आज का ये जो लाइव है, जो विषय है, वो लेने का उद्देश्य यही था कि आपका, मैंने कल एक वीडियो देखा जो आपने डाला था मुरारी बापू के बारे में, कि उन्होंने कुछ इस तरह की बात की थी व्यासपीठ से, लेकिन उसमें आवाज क्लियर नहीं है, कट रही है कई जगह पे, तो वो जो संदेश आप देना चाह रहे थे वो शायद पूरा ठीक से नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए मुझे लगा कि हम रविवार के दिन का सदुपयोग भी करें और दर्शक आपको देखकर जो प्रसन्नचित होंगे उसका भी मैं लाभ ले लूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम वहीं से इसको यदि आरंभ कर पाए कि इसके बारे में आप जो कहना चाहते थे वहीं से शुरू करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंधु। बीच में थोड़ा बिखराव आएगा क्योंकि बात करते समय थोड़ा खांसी आ रही है अभी, यानी लंग्स अभी पूरा सपोर्ट नहीं दे रहे है क्या। एक तो हम हिंदुओं को काफी कुछ अपने बारे में सोचने समझने की आवश्यकता है। गुजरात में जो कथा करने वाले लोग हैं उनको बापू करके पुकारा जाता है, मोरारी बापू, आसाराम बापू, फलाने बापू, ढिमाके बापू। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने एक बाप बना दिया है हम सब का, वो जबरदस्ती, वही है काफी है, और की जरूरत नहीं है हमें। और ये कार्य है क्या, इनके प्रति इस तरह की आस्था बनाई जाती है कि बड़े आध्यात्मिक ध्यान धारणा साधना करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये एक विशेष प्रकार का कार्य है, जैसे पिक्चर हम जो देखते हैं हमको लगता है ऐसे ही शूटिंग होती, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कैमरामैन, अलग अलग तरह के एंगल से लेने वाले, लाइट डालने वाले, साउंड कलेक्ट करने वाले, रिफ्लेक्शन कहीं आ रहा है तो उसे रोकने वाले, कहीं कम पड़ रहा हो तो बढ़ाने वाले। फिल्म के सेट पे आप पाएंगे कि 100-150 लोगों की टीम काम करती है और उसके बाद लंबी चौड़ी एडिटिंग होती है, वॉइस मॉड्यूल, दुनिया भर के काम होते हैं, तब कहीं जाकर एक पिक्चर बनती है। मगर हम समझते हैं कि अमिताभ बच्चन या फलाना या ढमाका जो बोल रहा है वो ऐसे ही होता, ऐसा नहीं होता। लिप्स, फिर बाद में लिपसिंग होती है, आवाज को डब किया जाता है, पिक्चर बनने के बाद उसमें आवाजें डाली जाती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे ही ये कथा है, आपने देखा होगा किसी भी कथा में अगर गए होंगे तो वहां साजिंदे बैठे रहते हैं, तबला, सारंगी, हारमोनियम, वायलिन, ये वो सब लिए हुए। एक एक मिनट तय होता है कि फलानी जगह वो गाना बजाना है, इस मोड़ पर कथा आएगी और यहां वो ये वाक्य कहेंगे तो उसके बाद ये करना है, वो सब ट्रेंड काम है। उसमें ध्यान मन का और सबका मामला नहीं है। मेरा मुरारी से पहला परिचय जो आया था वो नैमिषारण्य में आया था। नैमिषारण्य एक सीतापुर जिले में आश्रम है और इतना बड़ा आश्रम है कि उसके अंदर से ट्रेन का ट्रैक कोई 30-35 किलोमीटर जाता है। ट्रेन का ट्रैक 35-30-35 किलोमीटर जाना, समझ सकते हैं कितना बड़ा आश्रम होगा। तो वहां नारदानंद जी के शिष्य थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने कथा कराई थी तो उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया, बहुत भंडारे भंडारे थे, तो विशिष्ट संतों के
मंडलेश्वर और इस तरह के जो थोड़ा संपन्न सन्यासी होते हैं उन लोगों का भंडारा एक मुझे दिया गया कि आप इसको देखेंगे, और उसकी पर्चियां कटती थी और वो विषय मतलब 3 तरह की दाल और 7 तरह की सब्जी और फलाना ढमाका ये सब वहां पर होता था, उसको मैं देखता था। तो 2-3-4 दिन हो गए तो लोगों ने कहा कि आज कथा आप सुनने चलिए। अच्छा, मेरी राय, चूंकि मेरे घर में सब की व्यवस्था रही है, काशीपुर का एक पुराना श्रीमंत परिवार है तो वहां कभी कपिंद्र जी आ रहे हैं तो कभी फलाने जी कथा के लिए आ रहे हैं, नगर के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं वो सब इकट्ठे हैं, साप्ताहिक कीर्तन हो रहा है तो सारे लोग इकट्ठे हैं, ढेरों सैकड़ों लोग, मार उधम सा मचा हुआ है। तो मैंने कथा मथाएं सब देखी हैं और उनके निकट से जीवन को भी जानता हूं, तो उसमें मेरी कोई दिलचस्पी थी नहीं। फिर भी उन्होंने आग्रह किया तो मैं चला गया। मुरारी चरण वहां बैठे हुए कथा कर रहे थे, देखने वाला दृश्य होता है इन लोगों का, सीता माता के चरणों में कैसे कैसे कांटे चुभे होंगे, इसे भटिया देख के आ रहा है वहां से, पूरी नौटंकी होती है, आनंद लेते हैं। तो उस दिन कथा ये थी कि अलेक्जेंडर जब भारत आया, इसमें रिपीट हो सकता है पुराना वाला एपिसोड मगर बात वो रखनी पड़ेगी, सिकंदर जब भारत आया तो उसके गुरु ने कहा 3 वस्तुएं लाना, ब्रज रज लाना, गंगा जल लाना, और पंजाब के किसी गांव में वेद बताया वहां से वेद लेके आना। आस्था के मारे सिकंदर स्वयं ब्रज रज लेने आया। मेरी बुद्धि तार्किक शुरू से हूं, मेरी बुद्धि को जला कि यार ये ब्रज के क्षेत्र में अलेक्जेंडर कब आ गया, ये तो वहीं से मार के भगा दिया गया था। ब्रजरज का मतलब तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र होगा, यहां कहां से आ गया। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं 5-7-10 हजार, किसी के ध्यान में ही बात नहीं आ रही। ब्रजरज लाया, गंगा जल लाने के लिए स्वयं गया। मैं सोचने लगा गंगा जल का मतलब यमुना भी क्रॉस करके आगे बढ़ गए, ये यहां तक कहां से आ गया। ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं। उसके बाद वेद लेने के लिए वो पंजाब के गांव में गया तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आज मुहूर्त नहीं है, कल दूंगा। तो उसने अपने उस घर का पहरा लगवा दिया अपने कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगले दिन अलेक्जेंडर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आंगन में एक यज्ञ कुंड बना हुआ है और उसका वो ब्राह्मण वहां बैठा है अपने बेटे को लिए हुए, और उसने यज्ञ कुंड में एक पन्ना पढ़ के डाल दिया। इसने एकदम खट खींच ली कि ये क्या है। तो ब्राह्मण बोला ये मेरा 9 वर्ष का पुत्र है, जिन्हें 10 वर्ष का बताया था, रात्रि भर में मैंने इसे वेद कंठस्थ करा दिया है, ग्रंथ नहीं दूंगा, मेरे पुत्र को ले जाइए, इसे कंठस्थ हो गया। एकदम से साबु सरंगी तबले बजने लगे और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं वसेरा, वो अलेक्जेंडर सिकंदर पोरस फिल्म का गाना बजने लगा। ये अब मेरी हंसी छूट गई बड़ी जोर से, तो मैं मुझे ये लगा कि ये जो श्रद्धा वहां नहीं, ये पीठ पाटना दे कहीं मुझे, मैं उठ के भाग आया वहां से। खैर, लोग फिर लौट के आए और बड़े आनंद से कि आज तो अद्भुत आनंद की वर्षा हुई। मैं सोचने लगा कि अकल नहीं है किसी के पास, जो मर्जी आए बकरा है और लोग सुन रहे हैं। वेद क्या है, रात्र भर में कोई वेद भी, चारों में जो सबसे छोटा है सामवेद, उसको टाइप भी किया जा सकता है, कंठस्थ करना तो असंभव है। वेद पर कार्य करने के लिए जीवन के कम से कम 12-14 वर्ष लगते हैं। संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत, उसके बाद निघंटो इत्यादि के बाद वेद का नंबर आता है, यानी जीवन के 20-25 साल लगेंगे। इसने रात भर में कंठस्थ करा दिया, मगर वो जो सामने बैठे सुनने वाले लोग हैं वो उस आस्था से भरे हुए हैं कि संसार विश्व भर भारत को जगत गुरु मानता है, इसकी तरफ आंखें गड़गड़ाए हुए देख रहा है धन्य भाव से। ये सोचने वालों के दिमाग में कभी नहीं आता कि यही संसार जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि ये संपूर्ण संसार भारत को आस्था और बड़े आदर से देख रहा है, उसी संसार ने अफगानिस्तान छीन लिया, पाकिस्तान छीन लिया, बांग्लादेश छीन लिया, ईसाई बनाने पर लगा हुआ है,
अगर भारत को पवित्र शुद्ध बुद्ध चैतन्य माने तो इसकी इस दुर्गत पे क्यों उतारू होगा, कोई नहीं देख रहा। ये जो कथा सुनाने वाले हैं ये आपकी जेब से नोट निकालने हैं इन्होंने, और इस हद तक है कि ये साउंड सिस्टम है ये भी इनके होते हैं, क्योंकि जो साउंड का इंपैक्ट चाहिए, अगर साउंड खराब होगी तो नहीं आएगा। वो जहां डाल डाल पे सिकंदर पोरुस का गाना बजाने के लिए वायलिन बजाएगा तो आवाज बढ़िया नहीं आएगी, काम नहीं होगा, वो भी इनका सब होता है। टेंट पर टेंट की व्यवस्था इत्यादि सब ये अपने इनके ठेके होते हैं, वही लोग लाते हैं, कि ये फिल्मों की तरह का ही, शोले बनानी है तो शोले बनाने में बहुत सारा मेहनत लगती है, इतनी जल्दी से नहीं होता, बहुत काम है, ऐसा ये काम। मगर ऐसे काम करने वाले को हिंदू समाज नेतृत्व के लिए इतना तरसा हुआ है, इन्हें व्यासपीठ कहता है, इनको व्यास, व्यास वो जिन्होंने चारों वेदों को संहिताबद्ध किया, जिन्होंने महाभारत को संहिताबद्ध किया, उनके कार्य के स्तर पर इन इन जैसे लोगों को रखते हैं और ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, इसमें इनकी अपनी समस्या कि 10 दिन की या 7 दिन की कथा है, 7 दिन 2.5 घंटा सुबह और 2.5 घंटा शाम, 5 घंटे बोलना है, तो राम कथा बोलो या भागवत बोलो या कुछ भी बोलो, उसमें इतने प्रसंग कहां से आएंगे। तो मुरारी शरण ने क्या किया, उस कार्यक्रम में किसी दिन फिल्म के लोगों का नृत्य हो जाएगा, तो किसी दिन कवि सम्मेलन रख दिया जाएगा, जी फिल्म के कलाकारों का नृत्य हो जाएगा मंच पर, ये सारे ड्रामे होते हैं, कथा में ही ये सब होता है, मुशायरा हो रहा है शायरों को, यानी वो 3 घंटे 2.5 घंटे का जो एक दिन तय करा कि आज आनंद की वर्षा मुशायरे की शक्ल में होगी, तो राहत इंदौरी और मुनव्वराना फलाने ये सब गए हैं सारे के सारे। तो इन्होंने इसमें कुछ शिया ग्रुप के लोग आए, तो वहां से उन्होंने कीर्तन हो रहा है श्री राम के नाम का, अचानक मौला अली मौला अली मौला अली शुरू कर दिया, सामने कल्बे जब्बात कल्बे समथिंग यानी अली के और उनके खानदान के जितने कुत्ते बिल्ली हैं सारे उसे बैठे हुए थे काले कपड़े पहने, उनको देख के उन्होंने अली अली शुरू कर दिया। फिर कहीं पर लोगों ने कुछ कहा होगा, मंच से नहीं कहा वैसे कहीं कहा होगा, तो अब वो बात करते करते एक छाती पे हाथ मारा जोर से, जैसे शिया नहीं करते ऐसा उन्होंने मारा, और फिर बोले मैं क्या करूं अली मुझसे कहलवा रहा है। अच्छा। अबे भटिया तुझे पता है कि अली कौन था, पढ़ा है तूने कृष्ण के बारे में थोड़ी बहुत जानता है, और यही आप हरियाणा के रहने वाला है मुरारी। अच्छा। अली के बारे में कि अली ने क्या किया, उसका जीवन कैसा था, एक सामान्य मूर्ख की तरह जैसे गांधी था, कि उसको ये पता ही नहीं था कि सारे धर्म एक रास्ता नहीं बताते, सारे संप्रदाय एक चिंतन नहीं है, बहुत भिन्नताएं हैं, मगर उसको जाने बगैर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कह रहे हैं, तो ईश्वर जिन ग्रंथों से निसृत होता है, वैदिक साहित्य उपनिषद गीता जहां से भी आप लेना चाहें संस्कृत के वांग्मय से, तो इसके गुण दोष कुछ बताए होंगे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ये है, उसके जो 100-125 हजार नाम हैं उनसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे ही अल्लाह वो दोनों गुण मिलते होंगे पर्यायवाची होंगे तब ये एक शब्द है, अन्यथा एक शब्द तो नहीं है। अफ्रीका के कुछ कबीले इस तरह की सोच रखते हैं कि वो सूर्य और चांद की औलाद हैं, ऐसी धारणाएं अन्य प्रकार की भी बहुत सारी समाजों में हैं, वो सब एक साथ कि सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं कहकर कुछ भी चला दें ये तो ठीक नहीं। आपको इस्लाम को और हिंदू धर्म को एक बताने के लिए इस्लाम का अध्ययन करना पड़ेगा मोटा मोटा, हिंदू धर्म का भी अध्ययन करना पड़ेगा, तभी तो ईश्वर अल्लाह एक तेरो नाम होगा, बिना उसके हो जाएगा। या किसी गांधी को इस बात की बड़ी छूट मिली है कि जब वो पॉलिटिकल गेम में होते थे तो वो सारे समय आध्यात्मिक बातें खेलते थे,
राजनीति बहुत तेज हवाओं का खेल है, बहुत धरपटक होती है इसमें, इसमें ये सब नहीं कर सकते आप। और जब इनके संतत्व को चुनौती दी जाती थी कि संत तो ये नंगे लड़कियों के साथ नहीं सोते, तब फिर वो राजनेता हो जाते थे, करवट बदलते उन्हें देर नहीं लगती थी। तो उनके किए कामों के आधार पर हम सत्य को तो निरूपित नहीं कर सकते, सच की जग को नहीं ढूंढ सकते, उनके कहे पर कहने भर से तो नहीं मानेंगे। तो मौला अली कहलवा रहा है तो उनके हिसाब से ही, क्योंकि अली तो मर गए और अली जो भी रहे होंगे अगर कहलवा रहे हैं तो क्या शक्ल होगी अली की, प्रेत बने वो और तो कोई शक्ल नहीं होती। और अली के बारे में कुछ नहीं तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ लो, उसमें अली के कई प्रसंग हैं जहां निर्दोषों को मारा है, यहूदियों को मारा है, ऐसे बच्चों को जिनके ग्रोइन पे प्यूबिक हेयर्स नहीं आए उनके अलावा सबके गले काट दिए, अली खुद थे 600 लोग मारे उन्होंने। मौला अली मौला अली मौला अली कहने से तो बात नहीं बनेगी, तथ्य तो देख लो। और प्रभु राम के साथ इनका तालमेल आप कैसे बैठा रहे हैं? फिर वो जो लोग कहते हैं कि अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, तो आपने भी इमाम हिंद मान लिया? आप जिस माल को बेच रहे हैं उसकी एडवोकेटिंग के अलावा जो उस माल को कंडम करते हैं उनकी भी एडवोकेटिंग करेंगे। और ये हुआ बरेली में हुआ, पवन सक्सेना बहुत अच्छा लिखते हैं सोशल मीडिया पे, पहले नोएडा में थे वो वहां मौजूद थे, अली मौला शुरू किया, ये 4-5 खड़े हो गए, उनका बंद करिए इसे, ये व्यासपीठ है, आप यहां पर श्री राम की कथा करने आए हैं, यहां ये नहीं चलेगा। मोरारी की समझ में आ गया, उलट देंगे लोग, अभी व्यासपीठ से खींच के नीचे मारेंगे। और ये होना चाहिए, एक आध बार जूते बज जाने चाहिए तभी सुधरेंगे जी। इसके पीछे कथाएं हैं, मगर हम अपने इतने तरसे हुए लोग हैं नेतृत्व के लिए कि हमारे पास कोई बड़ा मजबूत नेता नहीं मिल रहा है, इसके लिए जो मिल जाए हम उसको उसी पे राजी हैं, ये गलत बात है। राष्ट्र का प्रश्न है, और राष्ट्र का प्रश्न का मतलब कि हमारी आने वाली पीढ़ियां किस भारत में सांस लेंगी, उनको कौन सा जीवन मिलने वाला है। मेरी पुत्रवधू, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरे पोते, आपके बच्चे, आपके पर पोते, उन लोगों को कौन सा भारत मिलने वाला है? हम अपनी आंखें बंद होंगी तो हम किस राष्ट्र को छोड़ के जाएंगे, इसकी क्या दुर्गत होने वाली है, इसकी हम चिंता करेंगे या नहीं, या वर्तमान में हम जैसे चाहे चल जाए। तो मोरारी शरण जैसे लोगों पर तभी से कि ये बिल्कुल नौटंकी हैं ससुरे और कुछ नहीं है। मैंने इस तरह की कथाएं घटनाएं बहुत देखी है, मेरे 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 परिवार में लोगों की रुचि थी, मेरे दादा दादा को, तो वो सब हर चौथे महीने छठे महीने बाकायदा वो चौमासा जो होता था बरसात में, उस समय पूरी पलटन साधुओं की रुकी हुई है और उनकी सेवाएं हो रही हैं और सारे, फिर उनकी लफंगे भी देखी, बहुत सब कुछ देखा। मनुष्य हैं, मगर हमें तो तय करना पड़ेगा ना। मोरारी शरण के सामने अब हंगामा आया तो उन्होंने क्षमा भी मांगी है। नहीं नहीं, आखिर रुकिए रुकिए, आज जब मेरी आपसे बात हुई उसके बाद मैंने YouTube पे देखना शुरू किया, उसमें कई लोगों ने डाला कि उन्होंने क्षमा मांगी है। तो एक किसी चैनल का मैंने देखा, उन्होंने 3 लोगों के बारे में बोला था कि 3 लोगों ने क्षमा मांगी। एक वो जो छोटी उम्र की एक महिला है चित्रलेखा, एक ये मुरारी बापू, और एक और है अपूर्वानंद या कुछ ऐसा कुछ उनका नाम है, मैं वो नाम भूल रहा हूँ। तो मैंने वो पूरा देखा इनका जो इन्होंने क्षमा याचना की, उसमें इन्होंने क्या किया है कि यदि किसी का दिल दुखा है तो मैं क्षमा मांगता। अब ये कोई जेन्युइन मन से मानी हुई अपोलॉजी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपोलॉजी तो इसलिए नहीं है ना कि वहां 4 लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा ये बंद करो, लोगों ने वहीं चप्पल फेंक के मारनी थी। अबे यही तो होता ना, 2 चप्पल में से एक रह जाती, मगर मोरारी जिंदगी भर को सुधर गया होता। अच्छा, दंड देना अगर समाज, क्योंकि ये मामला सामाजिक है, इसके खिलाफ आप कोर्ट में तो जा नहीं सकते, पुलिस में तो जा नहीं सकते, तो आपको सामाजिक रूप से ही दंडित करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे बात कैसे बनेगी? उन लोगों को एहसास कराएंगे ना कि वो लोग
जिस समाज की वजह से पल रहे हैं, वो सामने जो काले कपड़े पहने हुए जब बात के कुत्ता बैठा है या और लोग बैठे हैं, वो लोग इनको कुछ चवन्नी भी नहीं दे रहे। ये किसके लिए कर रहे हैं ये सारी बेहूदगी? ये आप श्योर हैं? आप ये श्योर हैं कि वो चवन्नी भी नहीं दे रहे इनको? वो क्यों देंगे? हिंदू गधे हैं, मुसलमान तो बहुत चौकन्ना है, वो जानता है, जूतियों में रखता है वो इंसान, उसको मालूम है कि ये मरे जा रहे हैं हमारे लिए। जैसे अभी डासना में हंगामा हुआ, असलम था वहां का एमएलए जिसने किया था, आपकी जानकारी में पता नहीं, आप दर्शकों को पता लगना चाहिए, ये मूलतः त्यागी है, मुसलमान त्यागी, मूल्य त्यागी, इस पूरी बेल्ट में भरे पड़े मुसलमान त्यागी। और जो ये लोग कहते हैं कि हम परशुराम के वंश के हैं, ब्राह्मणों का वो वर्ग जो योद्धा था, वो स्वयं कहते हैं, सबको पता है, उन लोगों के को लेजिटिमेट क्यों कर रहे हो? उन्हें वापस लाने की कोशिश करो। अगर उनकी हरकतों को उनकी बातचीत के हिसाब से आपने अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, तो जो ये जानते हैं कि हम इस वर्ग से निकले थे, हिंदुओं के यहां से आए, उनके मन में ये भाव कैसे आएगा कि इनको वापस भी लौटना है? मुसलमानों में ऐसे वंश हैं, परिवार हैं, जिनके वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज कह गए थे मजबूरी में हम मुसलमान हो रहे हैं, जहां अवसर मिले, समय आए, तुरंत हिंदू बन जाना। उनको प्रेरणा कहां से मिलेगी? मोरारी शरण के इन लफंगई से। तो विरोध तो इसका होना ही चाहिए, मगर इस विरोध में थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी असहिष्णुता, अशिष्टता सम्मिलित होनी चाहिए। चार छह चप्पल पड़ गई होती, मोरारी की तबियत हरी हो गई होती जी। अधिकतम ये होता ना, मुरारी के चेले हमें पीठ मारते, यही तो होता। मगर ये तय था कि सारी दुनिया को पता लगता कि मुरारी का आज जुतिया दिया गया। किसने जुतिया गया? कि ये सिर्फ मौलाली मौलाली कर रहा था। व्यास पीठ लफंगे के लिए नहीं है जी। मेरा ऐसा था, जो मेरा इंप्रेशन था इनके बारे में, कि कथावाचक हैं, कम से कम अच्छी बातें बोलते हैं, समाज को थोड़ा सा सनातन धर्म से जोड़ते हैं, तो इसलिए इनका विरोध, अगर कोई छोटी मोटी गलती इनसे हो जाती है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मैंने इनका एक वीडियो देखा जिसमें इन्होंने 5-7 मिनट की एक घटना सुनाई जिसका टाइटल था मोहम्मद की करुणा। आहा, वाह 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 वाह। हाँ, शेर सुन लीजिए आप, मैं एक अच्छा शेर सुनाई देता हूँ जी। फैज अहमद फैज का शेर है, वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था, कहानी में जिसका जिक्र नहीं, वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो ये मोहम्मद में करुणा, वाह वाह वाह। तो उसमें फिर इन्होंने 5-7 मिनट लगाए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा एक सुनाया इन्होंने कि कुछ लोग अली को पीट रहे थे, तो ये मोहम्मद साहब उनको देख रहे थे, तो इस तरह की एक नकली सी कहानी सुनाई, जो उसकी बायोग्राफी, मतलब उसके जो, क्योंकि उसकी तो सारी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, अगर कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति था तो वैसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो इस तरह के जब आप झूठ प्रपंच पेलेंगे तो इसका अर्थ है कि आप इस समाज का, जो पहले से ही एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, आप उसको और बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि गिविंग अंडर द बस वाला काम कर रहे हैं। तो ये इसलिए इनका विरोध अगर कोई करता है तो ठीक बात है, क्योंकि ये समय वो नहीं है कि इस तरह के झूठ चल जाए और हम उनको बर्दाश्त करें। मैं एक घटना, अब इसका वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है क्या? ये मौला अली वाला म्यूट है आप? नहीं नहीं नहीं, म्यूट नहीं हूं, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। हाँ जी, सॉरी, ठीक है, आप बोलिए। इसका वीडियो आपने रिकॉर्ड किया दिखाने के लिए? हाँ जी, अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी जो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज वाली सीरीज है उसमें कहीं पे मैंने उसको डाला भी हुआ है, मैं देखूंगा तो मिल जाएगा मुझे। आप अपना वक्तव्य इस समय दिखा सकते? अच्छा देखिए, तब तो मैं बात करता हूँ जी। देहरादून में ये बात भी होगी को मेरे ख्याल से 35-36 साल की, आचार्य रजनीश के खानदान के कई लोग, उनके साथी कई सारे देश में बिखर गए, उसी तरह की दाढ़ी, वैसी बोलने का स्टाइल। तो उनके भ्राता छोटे, एक कैंप था ध्यान का, मैं भी था उसमें, और वहां वो तीसरे दिन बोल रहे थे, बड़े तल्लीनता, मोहम्मद रोज
एक पहाड़ पर प्रभु की पूजा करने जाता था। मैं चौंका, मैंने क्या कह रहा है। तो दो तीन जुमले इसी तरह के बोले तो मैं खड़ा हो गया। उनका, आपको मोहम्मद के बारे में कुछ पता है? मोहम्मद और मंदिर में पूजा करने जाता था, ये कहां से निकाल के लाए? तो उन्होंने कहा सूफियों के पास उनकी ऐसी कुछ कथाएं हैं। मैंने कहा ये सूफी कौन से हैं ये और मुझे बता दें आप। सूफी के नाम पर जो आप ये जो बातें की जाती हैं और कहा जाता है ऐसा वैसा, भारत में मुने सारे सूफी सिलसिले गिना दिए, निजामुद्दीन फलाना अजमेर ये वो मुइनुद्दीन, कृपया मुझे बताएं कौन से के पास ये कथा है, कहां है। अब वो मतलब ये ऐसा था कि राजा को उसके दरबार में ही पकड़ ले कोई, तो वो तिल मिला गए पूरी तरह से। बोले आप बैठ जाए। मैंने कहा नहीं, कृपया आप ये मुझे बताएं कि मोहम्मद मंदिर में पूजा करने जाता था, आपको कुछ पता है कि मोहम्मद ने 360 मूर्तियां ध्वस्त की? मोहम्मद मूर्ति पूजा के विरोध में सारा जीवन उसने निकाला है। आपको पता है कि मूर्ति पूजों के बारे में, मुशरिकों के बारे में उसकी क्या धारणा है? तो अब उनके पास और कुछ विकल्प नहीं था, तो उनके दो तीन चेले चाटे मेरी तरफ बढ़े। उन्होंने कहा आप हट जाइए। मैंने क्यों हट जाइए? ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है, और सूफीज्म के नाम पर ये अपनी काल्पनिक बातें गढ़कर बोल रहे हैं, इनकी बातें सच नहीं हैं और इसका कोई तथ्य नहीं है। सूफियों को कौन सी किताब में बताए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मैंने जलालुद्दीन रूमी की कौन सी किताब में, ये और बताओ। तो उनको समझ में आ गया, पढ़ा लिखा आदमी है, लग नहीं रहा था मैं उस समय, लगता तो खैर अब भी नहीं हूं पढ़ा लिखा, मगर धर लिया मैंने उनको। तो उनकी ऐसी तैसी हो गई सारी कथा वथा उनकी बिखर गई। मगर अगर मैं नहीं होता तो वहां से जो 100-200 लोग थे वो यही संस्कार लेके उठते। हो सकता है उन 200 लोगों में आधों ने यह समझा होगा कि वो दंड प्राणी है, जब जबरदस्ती दूसरे के प्रोग्राम में खलल डालने आ गया, मगर तथ्यात्मक बात तो करनी पड़ेगी। अली मुझसे कहलवा रहा है, अबे अली हत्यारा था, कत्ल करे उसने काफिरों के मुशरकों के, तुम जो राम की कथा करते हो उसके हिसाब से तुम्हारी गर्दन काट दी जानी चाहिए। वो चूंकि यहां काट नहीं पा रहे हैं इसलिए, ये चूंकि यहां कर नहीं पा रहे हैं, यहां पर काफिर ज्यादा है मुशरिक ज्यादा है। अगर यही कथा तुम बातें ईरान में कर रहे हो तो गला काट दिया होता तुम्हारा। इसको जाने वगैरह कैसे अंड बंड बोल रहे हो, बेसर पैर की बात। कोई तथ्य तो हो, आधार तो हो, अली की कौन सी जीवनी में है, मोहम्मद के बारे में कि वो पूजा करने जाता था। बे इब्ने इसहाक बोल रहा है तो इब्ने इसहाक का नाम सुन के उनके तोते उड़ गए कि साहब ये तो गड़बड़ जगह आ गया। कुछ भी अनसन जिसकी जो मर्जी है। अच्छा ओशो कम्यून में होता क्या था, ओशो के समय में पूना में गया हूं, ध्यान के लिए जाने वाले तो लोग कम थे वहां, तो इस चक्कर में आते थे कि लड़कियां मिलेंगी कोई ना, किसी को ना किसी को पढ़ ले, लड़की भी इसलिए आती थी कि मुस्टंडे मिलेंगे। वो तो एक तरह से क्योंकि कभी टिंडर पिंडर तो था नहीं, मोबाइल थे नहीं, तो इन सारे कुकर्मों के लिए या तो प्रोफेशनल ढूंढो, उसमें खतरे थे, और वहां पर गोरे और ये सब तरह के लोग थे, तो लोग इसलिए पूरा में आते थे। तो उन लोगों की रुचि न तो पढ़ने लिखने में थी, व्यापारी लोग थे, वे काम करने वाले लोग थे, अपने काम से आते थे, तो उन लोगों की रुचि नहीं होती थी इन सारे विषयों में। अगर कोई सुरुचि संपन्न होता तो तुरंत एतराज करता कि आप क्या कह रहे हैं, वो बात तो सिर पैर की हो, मोहम्मद पूजा करने जाता था मंदिर में, ऐसी तैसी मोहम्मद के पूजा करने, मतलब कथा का कोई कई संदर्भ तो लाओगे। और मोहम्मद बहुत निकट अतीत का मामला है, मोहम्मद की कई प्रमाणिक जीवनी जिसे मुसलमान मानते हैं कि प्रमाणिक है, क्योंकि हमारे न मानने से कुछ ना होता, जिसकी है वो तय करेगा, वो कहते हैं कि प्रमाणिक जीवनी है। उनमें जो जो घटनाएं हैं, जैसे एक घटना है कि मोहम्मद जब वहां निकलता था तो उस पर एक औरत कूड़ा डाल देती थी, कई बार ऐसा हुआ, फिर एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तो तीसरे दिन मोहम्मद उसके घर गए पूछने के लिए कि बीमार तो नहीं है। अब ये कौन सी हदीस में कहां है, कहीं नहीं है। मोहम्मद के जीवन में करुणा नाम की चीज तो कभी दिखती ही नहीं, उसकी जो प्रमाणिक जीवनी है, तो ये कहां से घट दी गई? ये भारत के लोगों को उल्लू बनाने के लिए किसी गांधी जैसे या विनोबा जैसे गधे ने, जिसको बिल्कुल जानकारी नहीं थी, उसने ये पाकिस्तान के मुल्लों ने घड़ी है।
बात की है, बात की नहीं है, पुरानी कहानी पहले से चल रही है, विभाजन से पहले से चल रही है ये बातें। विनोबा होगा, गांधी होगा, या ऐसे ही कोई गधा होगा जिसे बिल्कुल राजनीतिक लाभ के लिए कोई नई बात पेल देनी। नहीं नहीं अच्छा, और ये हो जाता है, हो जाता है। आज से कोई, जब अटल जी की सरकार थी तो विजय गोयल, हाँ विजय गोयल ने किया था, चांदनी चौक फेस्टिवल किया, लाल किले से बिल्कुल जो सामने का बाजार है चांदनी चौक है, इसमें फेस्टिवल किया गया था, और पूरे बाजार में दोनों बीच वाली जो रोड है इस पर तख्त बांधे गए थे बड़े हैवी, कहीं जलेबी बिक रही है तो कहीं मिठाई मिल रही है तो कहीं कपड़ा दिया जा, बिल्कुल पुराना चांदनी चौक बनाया गया, कहीं कवाली हो रही है तो कहीं तवायफ नाच रही है वगैरह वगैरह सब हुआ। लाल किला जो है सामने, यहां से इसका संचालन होना था, उसको संचालित मैं कर रहा था, तो इसके लिए जो प्रैक्टिस चल रही थी तो स्क्रिप्ट आई, तो स्क्रिप्ट में यह था कि एक मुगल बादशाह, कोई उसकी शाहजहां की बेटी बताई थी, जन जहांगीर की बेटी बताई थी, कि उसकी बेटी का किसी शायर से इश्क हुआ, तो उसने उस इश्क की खुशी में चांदनी चौक लगवाया और यहां पर नहर बहाई और दोनों तरफ बाग लगवाए। चार पांच दिन प्रैक्टिस के बाद उस समय गाया जाने वाला बॉम्बे से गाना आया, वो सैड सॉन्ग था, तो सैड सॉन्ग से तो तुरंत बदला गया कि वो इश्क हुआ और उसमें वो उसने धोखा खाया, उसका दिल टूट गया, तो उसने अपने गम को भुलाने के लिए चांदनी चौक बसाया, बिल्कुल उल्टा कर दिया कंसेप्ट। अच्छा, हम मंच से बोल रहे हैं, सामने 2 लाख लोग इकट्ठे, मर भी 5% भी ये लेकर गए कि एक बादशाह था मुगल, उसकी बेटी का इश्क खराब हो गया, दिल टूट गया, तो चांदनी चौक बसाएगा, तो इतिहास हो गया। 2 दिन पहले वो खुशी में था, आज दुख का इतिहास हो गया। तो ये कोई ऐतिहासिक बातें थोड़ी होती हैं। तो इन लोगों को ये सब करते समय ध्यान करना चाहिए। मगर समाज गड़बड़ क्यों कर रहा है? वो जो 5,000 लोग, 4,000, 2,000, 1,500 लोग बैठे सुन रहे हैं, वो मौला अली सुनने आए थे क्या? कथा सुनने वाले लोग हैं, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। मित्रों, असहिष्णु बनना ही तो लक्ष्य है, लक्ष्य ही ये है। हम सब यही काम तो कर रहे हैं कि असहिष्णु बनिए। आपके माथे पर पैर रखकर कोई निकल जाता है और आप श्रद्धा से सर झुका लेते हैं, नहीं, उलट दीजिए कंबख्त को। इसका इसका मैं एक उदाहरण शेयर करता हूं। एक दिन मैं फ्री था, ये कोई 8-10 साल पुरानी बात होगी, मैं फ्री था, पता नहीं क्या कारण था, तो चंडीगढ़ में एक स्कूल के बाहर एक बैनर लगा हुआ था, सहज योगा, वो आपने देखा होगा कि लेडी है, बड़ा मोटा सा बिंदी लगी होती है उसके उसकी। तो मुझे योग प्राणायाम में थोड़ा रुचि थी, तो मैंने कहा आज इनके पास चलता हूँ, देखता हूँ क्या क्लास लगाते हैं। तो वहाँ जो व्यक्ति था, इंचार्ज था, उसने थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह सिखाया, तो मुझे लगा कि तो सारी चीज़ें जो योग सूत्र है हमारे, पतंजलि योग सूत्र, उनके विरोध में करा रहे हैं। तो फिर कोई कुंडलिनी की बात चली, तो बताया कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो मूलाधार चक्र है उसका देवता ये, दूसरे का देवता ये, जब वो चौथा जो पेट पे जो जैसे हम बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र पे आते हैं, तो बोला इसका जो देवता है वो अली है। तो मैं थोड़ी देर शांत रहा, तो उसने सारे ऐसे 7ों देवता बता दिए। तो मैंने कहा अली कौन? बोले ये जो ना मुसलमानों के एक वो है भगवान है, वो है यहाँ के देवता। तो बोले कि आज हम इतना ही करेंगे, तो 2 दिन बाद संडे आने वाला था, संडे को हमने एक बड़ा कार्यक्रम रखा है वहाँ फला मंदिर में, आप वहाँ आइएगा। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो फिर उसने वही कहानी शुरू की। फिर जब वो स्वादिष्ठान चक्र पे आया तो बोला इसका जो देवता है वो मोहम्मद है। मैं खड़ा हो गया उसमें, और वो कोई 150-150 लोग थे, कोई ज़्यादा बड़ा जलसा नहीं था। तो मैंने कहा आप 2 दिन पहले तो बोल रहे थे अली है, तो आज मोहम्मद है, क्या दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, अलग अलग हैं? तो थोड़ा सा वो शक पकाए, तो बोले ये मोहम्मद है, उस दिन शायद कुछ आपको समझने में गलती लग गई होगी। मैंने कहा अगर ये मोहम्मद हैं तो आप ये बताइए जो आप ये योग सिखाएंगे, क्या उससे हम सारे लोग उनके जैसे बन जाएंगे? बोले हाँ, उसकी ओर बढ़ तो सकते हैं।
मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि हम सारे बलात्कारी और हत्यारे बनने वाले हैं क्या? तो वो तो मुझे घूरने ही लगा, साथ में आसपास जो लोग बैठे थे वो भी मुझे घूरना शुरू हो गए, तो ये क्या बात है। तो और वहां मंच पे इनके साथ एक और सज्जन बैठे थे, किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो, तो बोले कि आपका नाम क्या है? मैंने बताया, तो बोले नीरज जी आप जो बात बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मैं मेरे तो अपने बड़े सारे मुसलमान मित्र हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान बुरे होते हैं, मैंने कहा कि आप जिनका नाम ले रहे हो वो हत्यारे और बलात्कारी थे, तो अगर हम उसी तरह आप हमें उन्हीं जैसा बनाना चाहते हैं फिर तो हम भी बलात्कारी बनने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण संसार में लाखों बलात्कार हुए होंगे, कम से कम करोड़ों नहीं हुए। तो अब वो माहौल सारे का सारा वहां गड़बड़ा गया। तो बोले आप आइए हमारे ना इधर साइड पे आ जाइए, हम आपसे आराम से बात करते हैं। तो जो मंदिर की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वो लोग भी थे वहां पर, अच्छा वो मुझसे परिचित थे, वो जानते थे कि मैं तर्क के बिना बात करता नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप देखिए आप ये सनातन धर्म का मंदिर है, आप इस यहाँ पर किस तरह के गधों को स्थान दे रहे हैं? तो फिर ये निर्णय हुआ कि आज के बाद इन्हें यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा, तब वहां से उन्हें उठाया गया। तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी है, हमें कोई भी मूर्ख बना लेता है, पढ़ते नहीं है। और सनातन धर्म की तो स्थिति है कि कुछ भी कर लो, कोई ग्रंथ कोई अंट संट जो मर्जी आए बकलो, जो मर्जी आए कह दो, सब चला लेते हैं लोग। किसी चीज का तार्किक विरोध नहीं करना। अब मोहम्मद इसका देवता है, अली उसका देवता है, ये बात मोहम्मद वाले अली वाले मोहम्मद की परंपरा में कहीं कोई ध्यान साधना की बात, कहीं कोई किसी इब्ने साख ने किसी ने कहीं किसी ने लिखी है, किसी हदीस में है, कुरान में है, ये कौन है जो कह रहे हैं इस तरह की बात? अच्छा ये जो आप सहज योग वाले ना माता जी, ये बेसिकली ओशो की चेली हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे वो फोटो। नारगोल में शिविर हुआ था ओशो का, बिल्कुल शुरुआती, जब ओशो इतने प्रसिद्ध भी नहीं थे, रजनीश थे, आचार्य रजनीश थे, भगवान रजनीश भी नहीं थे। तो उस नारगोल शिविर में बड़े बड़े विचित्र काम हुए थे, बिल्कुल लोगों को स्वतंत्र कर दिया। तो ऐसे थे लोगों ने कपड़े फाड़ दिए अपने, नंग धड़ंग बिल्कुल, कोई कहीं पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उत्पात कर रहा है, उसमें ये भी थी। और बाद में ओशो से कुछ बिगड़ा गई तो उसके लिए उन्होंने कुछ अपना अलग सा रास्ता निकाल लिया। और मगर वो जो मूल कुटेव है, मूल नलायकी ओशो की, कि उनके यहाँ कुछ भी बोलने से चल जाता था। ओशो के अंदर ओशो ने इस तरह की मांगलूपति की बातें नहीं की, मगर चेली चाटियों ने बहुत की है जी। तो उन बातों का विरोध तो होना ही चाहिए। अच्छा कोई पढ़े नहीं, अब तो उपलब्ध है। अब मौला अली करने से पहले नेट पर ही सर्च कर लो अली क्या था, खुद ही मिल जाएगा। मगर वो सब तो कोई मतलब नहीं। अच्छा मुरारी तो बिल्कुल मतलब वो देवताओं के आसपास की श्रेणी है उनकी चेले चाटियों के लिए, उनकी उनके आसपास वाले ऐसे माहौल बना के रखते हैं। कोई तो विरोध करे, बोले कि आप जो कह रहे हो इसका कोई सिर पैर नहीं है। अलेक्जेंडर यमुना के क्षेत्र में आकर ब्रजरज ले गया, गंगाजल भर के लाया। अबे उल्लू उस वक्त में ब्रजरज की या गंगाजल की ये श्रद्धा थी? उस समय ये श्रद्धा थी भी ब्रजरज की? ये सब तो गोकुलिया गुसाइयों को करा धरा है। मगर जो समाज गोकुलिया गुसाइयों को चला सकता है उसे समाज को ये कथा में क्या दिक्कत है, वो चला लेगा। गोकुलिया गुसाई भी श्री राधे जी आपको रास को टेम है गयो है आप पधारो, अबे रास का टेम हो गया क्या बोल रहे हैं, मगर ये भी चलता है। नहीं इसमें जो गोसाइयों की परंपरा है वो एक्चुअली तो सनातन के वॉरियर बने थे जो गोसाई थे ओरिजिनली। इनकी अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये सनातन की रक्षा के लिए इन्हें बनाया गया था। और ये जो हम सहज योग वाली बात कर रहे थे, लेडी का नाम है निर्मला देवी। हाँ निर्मला मैं जानता हूँ, खूब जानता हूँ। और यहाँ नोएडा में उनका महल बना हुआ है। दो चीजें मैं जो शेयर करना चाहता हूँ, एक तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन थी अब तो मर चुकी है, और दूसरा उसने जो अपनी वसीयत छोड़ी है उसने स्पेशली लिखा और बताया है कि जो मैंने शुरू किया है ये एक नया रिलीजन है। तो लोगों को पता नहीं है कि मेरे जहां तक मेरी जानकारी है संसार का लेटेस्ट रिलीजन है जिसे वो बना के मिल गया जी। हिंदुओं की स्थिति, हिंदुओं को
और यही बात, असहिष्णु बनिए, कुछ भी आपके गले से उतार दिया जाए स्वीकार कर लेंगे, तो फिर आप इस्लाम से क्या निपटेंगे, अपने अंदर के कूड़े कचरे से नहीं निपट पाएंगे। गलत बात पिता भी कहे मत स्वीकार कीजिए, मां भी कहती है मत स्वीकार कीजिए, शिष्टता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर कुछ भी चल जाएगा, नहीं। इस्लाम से चिंतित क्यों होते हैं लोग कि वो नहीं सहते, यही तो कारण है, या लगता है आपको कि नहीं सहेंगे। तो आप इनको किस लिए, आत्मसात तो आपसे हो नहीं रहे ना, आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं, ये मौला अली काहे के लिए कर रहे हैं, और सुनने वाले ईंट मारिए फेंक के खोपड़ी फोड़ दीजिए, 100% लड़िए, 100% विप्लव खड़ा कीजिए, चाहे इसके चक्कर में आप पर जो गुजरे, मगर आप आने वाले समय भविष्य को अपने संतानों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करके छोड़ेंगे। आज की असहिष्णुता, आज का विप्लव कल के शांति के बीज बोएगा, सुरक्षित भारत होगा, सुरक्षित भविष्य होगा। उपद्रव कीजिए ही कीजिए, और कोई विकल्प ही नहीं है। आप ढूंढ पाए वो वीडियो? नहीं, वो मुझे मिला नहीं, मैं दर्शकों से भी निवेदन कर रहा हूं। सामने अगर आप नेट पर इतना डाल देंगे मुरारी बापू मौला अली संकीर्तन, फट मिल जाएगा। नहीं, वो अली मौला वाला तो मिल रहा है, लेकिन वो जो मैं कह रहा हूँ ना, मोहम्मद की करुणा, वो नहीं मिल रहा मुझे। वो मैंने भी अपने एक वीडियो में डाला हुआ है, तो दर्शकों से निवेदन है अगर किसी को मिलता है तो मुझे यहाँ पर आप लिंक दीजिए, मैं दिखाना चाहता हूँ वो कि किस तरह की बातें उन्होंने की है उसमें। देखिए, करुणा त्याग का ये उदाहरण कि 6 वर्ष की आयु से विवाह किया 51 वर्ष की आयु में, और 3 साल प्रतीक्षा की, ऐसा त्याग जब वो 9 वर्ष की हुई तब उसे यौन संबंध स्थापित किए। अगर आप इसे त्याग करोना कह रहे हो तो कहिए कि 6 साल की बच्ची से शादी करके 3 साल इंतजार किया, और जब वो 9 साल की हुई और स्वयं 54 के हुए तो उसके बाद यौन संबंध स्थापित किए। अगर इसे त्याग कहा जा रहा है, करोना कहा जा रहा है, और धैर्य कहा जा रहा है, तो जरूर कहिए, क्या दिक्कत है। ये तो अजीब और गरीब मामला है। और दूसरा, मतलब जो मैं आपसे 3 लोगों की बात कर रहा था ना, एक वो जो चित्रलेखा है, उन्होंने भी जो माफी मांगी है, वो तो घटिया, बिल्कुल महामूर्ख है, महामूर्ख डफर है, बिल्कुल ही डफर है। कि अगर किसी बोल रही है, वो बोल रही है अजान होने लगी, अल्लाह की पूजा के लिए, अब उल्लू की पट्टी, अल्लाह की पूजा, अल्लाह है क्या? वो तेरे बांस करने को तैयार है, ऐसी तैसी फिर रहा है, तेरी मूर्तियों का भस भर रहा है, अल्लाह को समझ तो ले, अल्लाह की पूजा कर लेते हम, तुम्हारे कहने से होती है पर अल्लाह की पूजा, डफर गदी, इतने ही कठोरता से, और सामने होता तो मैं भी इतने ही जोर से विरोध करता। ये कीजिए तभी चैन पड़ेगा, और हुआ, ये लोगों ने बदतमीजी बंद कर दी अब, मगर इसका रास्ता बंद नहीं हुआ है। वो तभी होगा जब आप असहिष्णु बनेंगे, अशिष्ट होंगे। भलमन साथ से इन बातों के को डील नहीं किया जाता, और है क्या, एक कथा रट ली, इसके अलावा क्या है, कौन सा ऐसा गुण है विशेष? नहीं, मैं तो कहता हूं आपने कथा रट ली वो भी सुना रहे हैं, तो क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है हमारे देश का जो बिल्कुल कट चुका है परंपराओं से, तो आप उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर ये अली मौला कर रहे हैं, इसका मतलब तो आप उनको सीधा भेड़ियों के हवाले करने वाली स्थिति में लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। समाज चलिए, जो परिश्रम, ध्यान धारणा, जो भी हमारा कार्य है, और कुंडली जागरण या जो भी प्राणायाम इत्यादि, ये सारे कार्य करके अष्टांग योग, और एक परंपरा है हठ योग दूसरी है, इसके पैरेलल भक्ति मार्ग खड़ा कर दिया गया। इस पर मुझे ओशो की देशना बहुत सही लगती है, आचार्य निश की, वो कहते हैं कि भक्ति क्रिया नहीं हो सकती, भक्ति परिणाम है। आपको एक अनंत सूर्य दिखाई दे और लगे कि मैं दिया भी नहीं हूं, तो मन में एक आदर उपजेगा, मैं एक बूंद हूं, और ये महान सागर, महासागर सामने है, तो आपके अंदर जो भाव उपजेगा करुणा का, अपने आप को आत्मसात करने का, उसे भक्ति कहते हैं। ये परिणाम होगी, क्रिया नहीं हो सकती। अगर आप भक्ति क्रिया के नाते उभार रहे हैं तो तय समझिए आप नौटंकी कर रहे हैं और कुछ नहीं है।
वो एक किसी के बारे में बताते थे, एक जैन साधु बनने के चक्कर में थे कोई सज्जन, वो घर में 2-3 घंटे बंद रहते थे, तो इन्हें एक दिन खिड़की में से आंख लगा के देखा तो वो घर में नंगे टहल रहे थे। तो उन्होंने खटखटाया तो 5 मिनट बाद कपड़े पहन के बाहर आए, तो उन्होंने पूछा अंदर क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहता था मैं वस्त्र त्यागने का अभ्यास कर रहा हूं। बोले त्यागने का अभ्यास होता है, इसकी प्रैक्टिस होगी। तो ये जो मतलब अनुभव आया, बड़ा अनुभव आया, तो फिर आपके अंदर जो एक अपने आप को उत्सर्ग करने का, अपने आप को बिल्कुल विलीन करने का भाव उपजेगा, यह आएगा कि मैं कुछ नहीं हूं। वो क्षण भक्ति का है, अनुभव तो कुछ है नहीं, और अपने आप पर ऊपर से ओढ़ लिया तो फिर यही नौटंकी होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। और अगर ये नौटंकी अकारण यहां हो रही है तो वो किसी के पास भी हो जाएगी। आखिर अजमेर जाने वाले लोग कौन हैं? इसी प्रकार के तो हैं। आप ट्रेन में बैठी है, यहां से अजमेर पहुंचने वाली जो शताब्दी उसमें बैठी है, जयपुर से आगे जितने लोग सब अजमेर जाते हैं, लोगों से पूछिए भैया यहाँ काय के लिए आए हो, तो लोग बोलेंगे मुसलमानों के वो देवता के दर्शन करने आए, मालूम है उसके बारे में उसका अपने इतिहास में क्या लिखा है। और 33 करोड़ देवी देवता सारे मर गए जो एक मुर्दे को पूजने चले आए, कोई कारण तो हो इसका। और आपको तो शायद ध्यान हो, दर्शकों को ध्यान नहीं होगा, आज से कोई 30-35 वर्ष पहले अजमेर में ये खादिम जो हैं इसी दरगाह के, इनका एक बहुत बड़ा सेक्स का हंगामा हुआ था। कोई 350 लड़कियां थी उसमें लगभग, एक ब्लैकमेल की उससे, दूसरी तीसरी, ऐसे 350 बड़े प्रतिष्ठित घरों की लड़कियां, सोफिया कॉलेज और कौन कौन से वहां की लड़कियों को इन्हीं खादिमों ने सबने ब्लैकमेल किया था। कई लड़कियों ने उसमें सुसाइड कर लिया था, पूरा केस कांग्रेस ने दबा दिया। ये इस तरह के लोग हैं। मगर जब अली मौला यहां चलेगा तो फिर अली मौला के जो अड्डे हैं उन पे भी जाएंगे ये लोग, निजामुद्दीन में नहीं जाएंगे, स्वाभाविक है। ओके, आप न तो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, न मिल रही है, न धर्म के शत्रुओं के बारे में कुछ जानते हैं, सब कुछ स्वीकार है। तो फिर कश्मीर में अगर हमारे साथ दुर्गत होती है, हम बंगाल पाकिस्तान से निकाले जाते हैं, हम लाहौर से मार के भगाया जाता है, हमें ढाका से भगाया जाता है, और हमारे भारत के जो वर्तमान भारत है उसमें ऐसी स्थितियां आती, तो अंतर क्या पड़ना है, सब एक सही है। असहिष्णुता नहीं होगी तो ये सब हो गए होगा, तो विरोध तो करना पड़ेगा। जो वहां पवन सक्सेना या और लोग खड़े हो गए बरेली में, बरेली रामपुर मुरादाबाद, ये तो पूरी इस्लामी बेल्ट है, और वहीं लोकल हैं, नगर के हैं, तो ऐसा भी नहीं कि लोग पहचानेंगे नहीं कौन थे। कल को रस्ते विरोध सकते हैं, परसों कहीं चाकू लग सकता है, मगर नहीं, गलत का तो विरोध करेंगे, चारी होंगे, इससे क्या अंतर पड़ता है, मगर बदतमीजी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये जिम्मेदारी भी है हम सब की, गलत बात के विरोध में आवाज निश्चर हींद करो मही भुजो उठाए प्रणकीन, कि धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, ये व्यक्तिगत दायित्व तो है, धर्म है, बिल्कुल खरा, इस माने में कोई गुंजाइश नहीं, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। प्रश्न लेना चाहेंगे क्योंकि फिर वो मुझे बहुत लंबा भूलने में जी 50 मिनट हो गए। हाँ, दर्शकों से निवेदन कर देते हैं, प्रश्न अगर कोई है तो भेजे, और वो वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ, अभी मुझे मिला नहीं है, लेकिन वो है डेफिनेटली मेरे भी किसी वीडियो में, मैंने उसका उल्लेख किया था, तो मिल तो जाएगा, बस अभी इस समय नहीं मिल पा रहा है। ये दर्शक हैं श्रीनिवास जी, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य व्यू ऑन इस्लाम। अच्छा हाँ, ये भी हमें एक दिन इश्यू लेना पड़ेगा जो हम बात कर रहे थे एक दिन, तो फिर जी मैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि अलग से लें, इसी पर बात करता हूँ। ये जो लक्ष्मी शंकराचार्य है,
ये शंकराचार्य नहीं है, एक तो शंकराचार्य की परंपरा में नहीं है, एक गेरुआ कपड़ा पहनने वाला इस्लाम का तलवे चाटने वाला व्यक्ति है। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने फलाना पढ़ा, हमने भी पढ़ा है और तुझसे कम नहीं पढ़ा, जब मर्जी आए हमारे साथ बैठ ले, तू तो क्या बैठेगा, इस्लामी आचार्य बैठने में भागते हैं हम लोगों के साथ, हमारे साथ बैठ हम पढ़ाएं तुझे कुरान क्या है। मगर ऐसे लोग हमेशा से समाज में रहे हैं, 40s में कव्वाल थे, हिंदू थे, और बड़े जोर शोर से कव्वाली गाते थे, हम पाकिस्तान बना देंगे, और धड़ धमाधम हो रही है, और कोई घड़ी उतार के दे रहा है, कोई नोट बरसा रहा है उनके पर। 47 में विभाजन हो गया, कलकत्ता में ही थे वो, मास किलिंग 46 की देखी उन्होंने, मुझे नहीं पता किसी ने उनसे पूछा कि नहीं पूछा कि तुम जो गाना गाते हो हम पाकिस्तान बना देंगे की कव्वाली गा रहे हो, इससे तुम पर क्या असर पड़ता है, नोट आते हैं, कुछ पैसा मिलता है, कुछ जेवर मिल जाता है, मगर जिन लोगों ने वो पैसा दिया उन पर क्या असर करता है, इसका ध्यान है। तो ये जो बकवास कर रहा है इसकी कोई तथ्यात्मकता है कहीं से, कोई इसकी बात तथ्य पुष्ट होते हैं, इतिहास सम्मत है, इसने इब्ने इसहाक को पढ़ा है, तबरी पढ़ा है इसने, इस्लामी कैलिफेट्स के बारे में जानता है, इस्लाम ने अरब में किस तरह से वहां काफिरों को मुशरिकों को खत्म किया इसे मालूम है कि 360 मूर्तियां ध्वस्त की, मूर्ति पूजक कौन थे, हमारे ही तो लोग थे, ये पता है, बकबक करे जा रहा है ये, मैं शब्द स्पष्ट, उल्लू का पट्टा है। ऐसे लोग जो बिल्कुल बकवास करने के अलावा, चूंकि मुसलमान बुलाते हैं, 5,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिया, गए तलवे चाटने के लिए पूछ लाते हुए, कान लटकाए हुए, कुंकू कुंकू करते हुए कुत्ते की तरह, सत्य को समझो, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद ही पढ़ लो, मोहम्मद के बारे में उससे ज्यादा प्रमाणिक क्या है, वो ही पढ़ लो तो पता लगेगा तुम्हें। आखिर ये सारी दुनिया में जो आतंकवाद और ये को आज से नहीं चल रहा, सामने की घटना इतिहास में एक घटना है हकीकत राय की, मदरसा ही था उस समय शिक्षा का माध्यम, मुसलमान बच्चों ने क्लास के राधा जी पर कुछ कच्ची पक्की बात की, उसने आयशा का नाम ले लिया, वो पढ़ता ही था, उससे ये कहा गया तुम मुसलमान बन जाओ वरना तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, तुम गलत हो या सही हो इससे कोई मतलब नहीं, मुसलमान बन जाओ नहीं तो मार देंगे। ये सामने के तथ्य हैं, लिखित इतिहास में तथ्य हैं, और उस इतिहास में ये लिखित तथ्य हैं जो इस्लामियों ने लिखा है, उस काल का इतिहास हिंदुओं ने नहीं लिखा। तो ये कमबख्त अपने नाम के आगे शंकराचार्य जोड़ रहा है, इसके जूते मारे जाने चाहिए, सन्यासियों और खाड़ों वालों को इसे कूटना चाहिए, ये बकवास क्या करता है, मालूम नहीं है रहता कहां है, ये आता कहां से, पता लगे तो हम ही नहीं बट लें इससे, तो बेहूदगी फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है, सब बेसर पैर की बात है। मैंने कुरान पढ़ा, वहां ही पढ़ा, अबे तूने कुरान अकेले ने पढ़ा क्या, कुरान तो सारी दुनिया के आतंकी भी पढ़ते हैं, तालिबान भी पढ़ता है, आईसीस पढ़ता है, उसके झंडों पर कुरान की आयतें हैं, उनसे जरा पढ़ लिया तूने कुरान, वो जो कह रहे हैं उनसे अलग बातें, तुझे कहां से पता लग गई, आईसीस तालिबान ये सब दाइश ये सब बोको हराम और इतनी संस्थाएं हैं, ये सारी की सारी इस्लामियों की हैं, तुझे स्पेशल कुरान पढ़ लिया कोई अलग से ले आया। ठीक बात है। अच्छा अगला प्रश्न है, दुष्यंत सिंह जी कह रहे हैं जी कि रामदेव जी सदैव आदरणीय है पर वो भी मोहम्मद को हमारे इष्ट से तुलना कर देते हैं। मैंने कभी सुना नहीं साहब, रामदेव जी के आंतरिक बातें तो मैं जानता हूं, वो ये बात ठीक है कि वो इस्लाम पर बात करने से अपने मंच को मना करते हैं, उनके मंच पर बोलने के लिए मुझे बुलाया गया था और साथ में ये कहा गया था कि आप इस्लाम पर बात नहीं करेंगे, तो मैंने कहा फिर मैं शकल दिखाने के लिए आऊंगा, मेरा तो सब्जेक्टिव वो है, मैं कहता नहीं क्या आऊंगा, तो मैंने मना कर दिया था कि मेरा कोई मतलब नहीं, मैं क्या करने आऊंगा, और आपकी दवाएं कोरोनिल और इत्यादि जो बटियां हैं फलाना है और दंत क्रांति वो तो उसका विज्ञापन करना नहीं मैंने, तो मेरा क्या उपयोग है। सो ये बात तो है, मगर वो मोहम्मद की और देवताओं से तुलना करते हैं, मेरी जानकारी में नहीं, वैसे वो आर्य समाज ही हैं, देवताओं को वैसे ही नहीं मानते होंगे वो,
मैंने भी आर समझ मुझे लगता है एक बार मैंने उनका ये सुना था जहां वो कह रहे थे कि ये बात है जब जिस समय इन्होंने वो भारत स्वाभिमान आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने एक बार ये जरूर कहा था कि गांधी परिवार के नाम पे इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, कोई राम के नाम पे हो, कोई कृष्ण जी के नाम पे हो, कोई प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे हो, ये बात तो मैंने सुनी है उनके मुंह से, लेकिन वो भी गड़बड़ है, इस बात से मैं विरोध करूंगा। मगर राम और कृष्ण के प्रति वो महापुरुष, आर्य समाज के लोग उनको महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते, अवतार नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं और बड़े आदर से उन दोनों के प्रति बात करते हैं। और जो ये जो महाभारत से इतर कृष्ण के बारे में बात है पुराणों में, उसको नहीं मानते वो लोग, तो वो तो हो सकता है, मगर मोहम्मद के नाम पे चलनी चाहिए तो मैं तो उसका विरोध ही करूंगा। तनुश्री भट्टाचार्य हैं, योर व्यूज ऑन पीपल लाइक सदगुरु। भगवती मुझे अधिकार नहीं है चूंकि मुझे व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, मगर जो वो बोल रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं बोल सकता, अंतर का जागृत व्यक्ति ही बोल सकता है उस स्तर की बातें। उनकी बातों में कई संकेत ऐसे हैं जिस रास्ते पर थोड़ी दूर तक मैं चला हूं तो मैं कह सकता हूं कि वो जिस स्तर से बात कर रहे हैं वो जागृत पुरुष का स्तर है। जैसे श्री श्री रविशंकर का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, अद्भुत प्राणी है। आचार्य रजनीश का मुझे निजी अनुभव है। गिरधर महाराज जो मेरे गुरु हैं आजकल मुझसे नाराज हैं, और जितने वो मुझसे नाराज हैं उतना ही मैं भी नाराज हूं उनसे, बराबर का है, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। इन लोगों का मुझे अनुभव है, ये जागृत पुरुष हैं। तो सदगुरु की बातचीत से कह सकता हूं कि जागृत पुरुष है, निश्चित रूप से जागृत पुरुष। उन्होंने एक आधी बार जो जीसस वगैरह का कहा है कि इस तरह की बात उन्होंने की है कि वो इनर जीसस जिस तरह की बातें होती हैं, तो संभवतः उसके बारे में कहना चाह रही है। ऋषि जी हैं, प्रणाम नीरज जी और तुफेल जी। प्रणाम ऋषि जी, आप तो है ही ऋषि हैं। तुफेल जी, आपकी सेहत कैसी है? थोड़ा खांसी है बातचीत करने में, और शायद उसका कारण अभी लंग्स पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे, मगर बाकी ठीक है। आज आपसे बात कर रहा हूँ, अभी परसों बैठा था मैं अपने चैनल पे बात करने, काफी खांसी थी, आज कम है, काफी कम है, कंफर्टेबल हूँ। विशाल जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैज वीडियोस वेयर ही सेज इस्लाम इज अ वे ऑफ पीस एंड सूफिज्म इज पीसफुल। देयर आर वीडियोस ऑन यूट्यूब, डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। विशाल जी, एक तो ये 100 रुपए को 200 कम से कम करिए, एक बात। दूसरे, श्री को मैं निकट, मैं 3 मेरी भेंट हैं, मैं जानता हूं कि वो जागृत पुरुष हैं और इस्लाम के बारे में वो जानकार लोग हैं, और ऐसा जैसा आप पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं ऐसा वो व्यक्तिगत बातचीत में नहीं कहते। शायद कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी ऐसा कुछ कह सकते हैं, अन्यथा वो जानकार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है इस्लाम क्या है। मेरे एक मित्र हैं जो उनके बड़े निकट के लोगों में हैं, उनकी व्यवस्था के बड़े सीनियर्स में हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि ऋषिकेश में बैठे हुए थे झूले पर और ऐसे झूल रहे थे, 7 लोग बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से विवाह किया था। वो जानकार हैं, ऐसा नहीं कि जानकार नहीं है, और वो जिस लेवल की ऊर्जा है उसे तो वैसे ही सब ज्ञान सुलभ है कि वो केंद्र की बात है तो उनको सब सुलभ है जी। मयंक चौबे जी, सुपर स्टिकर के लिए आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक के देहरादून वाला बालक है अगर, ये तो मेरा भाई है। अच्छा, कजन है मेरा अगर ये वो देहरादून वाला है तो। अच्छा, कर्नल मयंक चौबे। पार्थ सारथी, गरीब नवाज वाला चिश्ती शिया है क्या? नहीं, चिश्ती शिया नहीं हो सकते, ये सुन्नी बरेलवी सेक्ट है। और लब्बैक, आपको बता दूं, लब्बैक का अरबी शब्द है, इसका अर्थ है हाजिर हूं, उपस्थित हूं। जब हज के लिए जाते हैं मुसलमान सारी दुनिया से, तो वहां लब्बैक कहते हैं कि मैं आ गया हूं, हाजिर हूं। पाकिस्तान में एक तहरीक चली है लब्बैक, वो जो इस्लाम के सख्तियों को लेकर कुछ एक ग्रुप बनाना चाहते हैं और
गैर मुस्लिमों को बुरी तरह से कुचलना चाहते हैं, उस तरह का एक वहां की संस्था है, तो वो भारत में भी कुछ लबैक करने लगे हैं। तो इसका जवाब तो ज्योतियाना है, जो करे लबैक तेरी तो ले, दो चार पड़ जाए सीधा हो जाएगा, सारा लबैक निकल जाएगा। अच्छा, आपने तो फिर भी वो वीडियो देखा है क्या जो कल इन्होंने एक जारी किया है, जिसमें वो बकरा दाढ़ी वाले 8-10 लोग बैठे हैं? हाँ, देखा कि वो आखिरी उस पे, हाँ मालूम है, मालूम है आप तो उसमें, तो हम तो वो जो पन्ने पलट रहे हैं इन लोगों को जेल में सलाहों के पीछे चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात। मतलब सरकार, न्याय व्यवस्था, पुलिस सब इनके हिसाब से काम करे, ये नहीं बात होगी। सवाल ये नहीं है कि हकीकत राय गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, हकीकत राय मुसलमान बने वरना गलत काट दिया जाएगा। तो फैल चतुर्वेदी ने क्या गलत कहा ये बताओ, नीरज अत्री ने क्या गलत कहा है बताओ। नहीं, बात ये नहीं होगी, गला पकड़ना है, सब बिहाइंड द बार होना चाहिए। बाप का राज है, मुगलिया सल्तनत है। आपको नहीं मालूम होगा, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जानकारी देता हूं, 1857 में जब चल रहा था हंगामा, बहादुर शाह जफर ने उसके आसपास लोगों को खेलतें दी हैं कि गुजरात तुम्हारा, बंगाल तुम्हारा, अबे दिल्ली तेरी नहीं, गुजरात तो बंगाल कहां से, और तेरी क्या सल्तनते शालम अस दिल्ली ता पालम, तेरे परबाबा के जमाने का मकूला है कि शालम की सल्तनत दिल्ली गांव से पालम गांव तक है। उस खानदान का एक आदमी जिसके बस में दिल्ली नहीं, वो खरीद अता कर रहा है कि भाई दक्कन तुम्हारा, बंगाल तुम्हारा, फलाना तुम्हारा। अच्छा, एक जो एक जिस वीडियो की हम अभी बात कर रहे थे, उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, वो कह रहा है कि हम तो ये फैसला कर चुके हैं क्योंकि हमारी जो गर्दन है वो तो रसूल के कारण है। तो मैं मन में सोच रहा था कि रसूल के कारण इनकी दुकानदारी चलती है, जिस दिन वो सारा कुछ लोगों को सच्चाई पता लग गई, अब ये बेचारे बोल नहीं सकते कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए इस तरह की गोलमोल बातें करते हैं लोगों को बुद्धू बनाने के लिए। मेरे एक मुर्तद दोस्त हैं और आज उनसे बात हुई है मेरी, आज ही फोन से चर्चा हुई। इतिहास है, प्रेस आया, किताबें छपने लगी, क्रिश्चियनिटी उड़ गई, खत्म हो गई, ये तथ्य है। क्योंकि एक किताब आना, उसकी 1000-2000 कॉपी छपना, यानी 1000-2000 दिमाग तैयार हो रहे हैं वो, और एक किताब को एक नहीं पढ़ता, अगर एक किताब 10 लोगों ने भी पढ़ ली तो हजारों लोग तैयार हो रहे हैं, हर कोने से एक सवाल उठेगा। आज इतनी मोटी गड्डी लेके बैठे हैं ये इसके, तो वो साहब मुझसे कह रहे थे कि तुफैल भाई, मेरा अंदाजा है कि 15-20 साल के अंदर इस्लाम की ये चीजें निबट जाएंगी। YouTube, सोशल मीडिया, अब कुछ भी कहिए, वो जो बोल रहे हैं, जो धमका रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया 26 आयतों की बात, और वो होनी थी। उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जिन धाराओं में मांगी रिलीफ मांगा, वो धाराएं, मेरी संजय जी से बात हुई थी, संजय दीक्षित वकील हैं, उन्होंने कहा था गलत धाराएं लगाई हैं, ये खारिज हो जाएगी। जिन धाराओं में उनका कहना था कि पहले हाई कोर्ट में लगनी चाहिए, हाई कोर्ट रद्द करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ और इन धाराओं में लगाओ, तो वो शुरू से ही गलत थी। जैसे मतलब जिस धारा में आप मांग रहे हैं, ये साबित करना व्यक्ति का, जिसने रिट किया उसका कार्य है कि मुझे इन धाराओं के अंतर्गत संविधान ये कहता है और मुझे ये रिलीफ मिले, ये जिसने रिट लगाई है उसका काम है, उसने गलत लगा दी तो वो कैंसिल होगी तो वो खारिज हो गई। मगर ओरिजिनल टेक्स्ट 26, और वो धड़ल्ले से बोलते रहे, उनके घर के आगे लोगों ने गालियां ली, बकीम धरने वरने दिए, सब हुई नौटंकी, तो वो घर छोड़ के नहीं चले गए, पर्दा बंद करके छिप नहीं गए, उनके लोगों ने इंटरव्यू लिए तो वो दहाड़ते ही रहे,
कसके बोलते रहे। किसी एक सुन्नी साहब ने उनसे उनको पकड़ लिया फोन पे, तो उन्होंने उसकी वो आरती उतारी, वो तबियत सब धुलाई करी, सब इधरी कर दी। तो ये सवाल तो आप नहीं रोक सकते। मेरा गला दबा सकते हैं, ठीक है कमलेश तिवारी मर जाएंगे, मर जाए, कितने कमलेश तिवारी मारोगे? नीरज अत्री ने अपने जैसे हजारों तैयार कर दिए हैं, किस किस को रोक लो भाई? इनका चैनल 1.5 लाख पौने 2 लाख लोगों तक पहुंचता है, इतने सब्सक्राइबर, दूसरे वाले के 10,000 हैं, मगर वो 10,000 वाले हजारों हैं, किससे बोलोगे, किस किस के मुंह लगोगे, कहां कहां जाओगे? और एक के बाद एक कुलाचे भरते हुए ताजा दम दस्ते आ रहे हैं। पहली सब काट दोगे तो पहली सब भी तो काटेगी, और उसके बाद की अगली जो लाइनें आ रही हैं, ये तो बिल्कुल हरावल दस्ते में सर लेकर भिड़ने की होड़ लगी हुई है, किस किस को रोक लोगे? तो वो तो वो चली गई बात हाथ से कि आप सोचेंगे लोगों का मुंह बंद कर देंगे कि हमारे गले इसके लिए और हम आपको नहीं बोलने देंगे, वो गई बात, वो पॉसिबल नहीं है। एक जमाना था कि घोड़ा तलवार लेके निकले और अब बहादुरी उसका पेट फाड़ दिया, वो सब 14 साल पहले हो लिया, अभी मक्का में भी नहीं होता, मदीना में भी नहीं हो सकता। ईरान में, अरब में ऐसे केसेस हुए हैं कि लड़कियां जो वहां की शाही परिवार है उसकी लड़कियां इंडोनेशिया आ गई, मलेशिया आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गई, हंगामा मचा, सारा अरब उल्टा लटक गया, वो लड़की बाहर निकल गई, ब्लंट है बोलने वाली, वो फसलताना बोलती रही है, अयान इश्तियाली बोलती रही है, कोई एक बात थोड़ी है, किस किस को रोक लोगे? अब वो जमाना नहीं है, अब मुंह पे लगाम नहीं लगाई जा सकती, नहीं लगाई जा सकती। और मुझे तो लगता है कि वो आपके जो मित्र है वो जो बता रहे हैं शायद उससे भी जल्दी हो जाएगा ये काम, जो है मुसलमान लड़कियां कहां बर्दाश्त करेंगी, मारोगे जूते के, और ये कहोगे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, लड़की शादी कर ली उसने हिंदू से, मेरी भेंट हुई तो मैंने से पूछा बेटा क्यों तुमने शादी की, तो बोली माए बिंदी नहीं लगाने देते बुरखा पहनने पर, 18 साल की लड़की को बुरखा पहनने पर विवश करते हैं, इतनी बात पर बिंदी नहीं लगाने देते, लिपस्टिक नहीं लगाने देते। उसने ढूंढा, मैंने उस लड़के से कहा अबे तू ये कर क्या रहा है, बोले मैं नहीं कर रहा, इसने ढूंढा मुझे, इसने भगाया, मैंने नहीं लड़की लेके आई। आप लोगों को कैसे बाध्य करेंगे? एक घटना यहां बताता चलूं, अच्छी जानकारी घटना है। मोहम्मद जब मक्का से मदीना माइग्रेट हो गए तो उनके साथ कुछ लोग आए, तो उसमें 7 थे। वहां उन्होंने मदीना के एक साहब को अपना भाई बनाया और ये कहा कि मेरी बीवियां 2 हैं, इनमें से किसी एक को पसंद कर लो। उसने पसंद की तो उन्होंने तलाक दे दिया और उसका निकाह इससे करा दिया गया। संपत्ति का ट्रांसफर होता है, मैं अपना मकान दे सकता हूं किसी को, गाय भैंस दे सकता हूं, बीवी संपत्ति होती है क्या? मगर इस्लामी चिंतन संपत्ति ही मानता है और इसकी जड़ें क्रिश्चियनिटी में है, जो कहती है कि स्त्री में तो आत्मा ही नहीं है चूंकि ये पुरुष की पसली से बनाई गई है। अब ये बेहूदगी क्रिश्चियनिटी से तो निकल गई, प्रेस आते ही, इस्लाम में अभी भी चल रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मदरसों में 7 वाली घटना बड़े फख्र से बताई जाती, देखिए इस्लाम इतना महान है। मगर आज की किसी महिला से कहो कि उससे 2 हैं, 1 तलाक दे देते हैं, इससे शादी कर ले, इतने जूते मारेगी, थाड़ी भनोच लेगी। अब जमाना नहीं है और कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। तो ऐसी ऐसी बातें कौन मानेगा, इन सबको रद्द करना ही पड़ेगा। और ये कोई इस्लामी बेटियां नहीं है, वो मेरे अपना भारतवासी है। अगर भारत में 15 करोड़ मुसलमान है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, मान लिया आधे तो 7 करोड़ तो महिलाएं होंगी, इन सबको केवल बच्चे पैदा करने घर संभालने के लिए छोड़ दें, राष्ट्र बढ़ पाएगा, विकसित हो पाएगा? 7 करोड़ लोग कुछ नहीं करेंगे, इनका दबाव इनके पतियों पर आने वाला है, फिर समाज का विकास का क्या होगा, राष्ट्र के विकास का क्या होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, भारत आगे कैसे बढ़ेगा, हम कैसे छोड़ सकते हैं इन कमबख्तों के हाथ में अपने राष्ट्र की महिलाओं को? ये बेटियां तो हमारे अपने समाज की हैं, मुसलमान है तो क्या है, इनको मूल धारा में मुख्य धारा में लाना ही पड़ेगा। इनकी बेहूदगियां नहीं चलाई जा सकती, उनको तो बर्दाश्त कोई नहीं कर। मयंक जी, मेंबरशिप लेने के लिए बहुत बहुत आभार।
पंकज लखेरा जी हैं। गुरुजनों को प्रणाम। प्रणाम जी। नीरज जी, आपको अश्वमेध यज्ञ का विवरण भेजा था, आप वो टॉपिक ले रहे हैं भविष्य में। जी हाँ, उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, लेकिन आपका जो आपने भेजा था मेरे दिमाग से निकल गया था। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आईडी दिया है, वो देख लीजिए, उस पर भेजिए मुझे और मैं उसको उसमें शामिल कर लूंगा जो आप भेजेंगे। सौरभ जायसवाल, प्रणाम नीरज जी, तुफेल जी, प्रणाम। सौरभ जी, आपको पता है कि नहीं, कुरियर वाला भी 40 रुपए में शहर में कुरियर नहीं बांटता। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। जी, काफिर आजम, कैन यू इमेजिन हाउ वाज द फर्स्ट नाइट ऑफ आयशा एंड नबी, सी ऑन माय यूट्यूब, काफिर आजम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हदीस में है कि अरब के कुरैश कबीले की औरतें उस कोठरी के चारों तरफ बहुत ऊंची आवाज में ढोलक ले लेके गाने गाती रहीं कि उस बच्ची की चीखों की आवाजें बाहर ना निकल जाएं। कितने ये हदीसों में है, वो ये बात तो है ही। जी, सिंह हरजिंदर, तुफेल जी और नीरज जी, प्रणाम। प्रणाम जी, मैं एज एन आईटी प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर जॉब क्या कर सकता हूं धर्म के लिए, सिखिज्म में भी बहुत गहरी पैठ कर ली है आईएसआई और जिहादियों ने, इसका क्या उपाय है? अरे वाह, आप तो बुद्धिमान प्राणी है जी। तो फिर जी, हरजिंदर जी, बात आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये पैठ कर लिए वाला मामला नहीं। देखिए, कुछ समाज की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे श्री चंद जी ने, उनको गद्दी नहीं मिली थी, तो उन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसे उदासीन कहते हैं। फिर उन्हीं गुरु परिवार के लोगों में कई लोगों ने और अन्य वर्ग चलाए जो निर्मले कहलाए। तो पंजाब के जो गुरुद्वारे हैं वो निर्मले और उदासियों के हाथ में थे। ब्रिटिश पीरियड में जो जट थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और अंग्रेजों के साथ में, अच्छा, वो योद्धा जाति थी जट। जाट मूलतः पौरुषवान जाति है, लड़ाकू जाति है, और उसका अपना एक स्वभाव है। अगर गांव में दो जाट हैं तो आधे गांव की राजनीति एक जाट चलाएगा और आधे गांव की दूसरा चलाएगा। ये उनके रक्त में है, संस्कार में है, वो ऐसे होते ही। सिखों का, जट सिखों का अंग्रेजों के साथ में आत्मीयता थी, और उन्होंने फिर वो जो हरि मंदिर है, इसे अब स्वर्ण मंदिर कहने लगे, वो मूलतः उसका नाम हरि मंदिर है। इसमें देवता थे, मूर्तियां थी, और उदासीन और निर्मले इन सब लोगों के महंत थे। इन सबको निकाल बाहर करा। यानी तथ्यात्मक बात यह कि गुरु परंपरा के, गुरु वंश के लोगों को जट सिखों ने निकाल बाहर कर दिया, ये है। और उनके बीच में कनाडा के जो कनाडा वाले हैं, उन लोगों ने कुछ ये सारी हरकतें की हैं, मगर भारत सरकार भी इस पर सख्ती से बात नहीं कर रही है। गवर्नमेंट के करने का मामला है ये, जो पंजाब में, और बड़ा रला मिला मामला है। भिंडा वाला जिस दमदमी टकसाल से आता है, वहां के कोर्स में विदुर नीति आज भी है, भारत में कहीं नहीं पढ़ाई जाती होगी। दमदमी टकसाल विदुर नीति पढ़ाती है, मजेदार बात है। और भी इस तरह की चीजें, परंपरागत रूप से ज्ञान संपन्न जो उनके अपने परंपरागत ज्ञान है उसके लोग हैं। अब उनमें से एक व्यक्ति कड़वा निकल गया तो सारा पेड़ खराब नहीं कह सकते। और वो धरपटक है, शक्ति चाहता है जट, उसको चाहिए, वो झगड़ा करेगा, उत्पात करेगा, वो उसके स्वभाव का हिस्सा है। पंजाब की सारी राजनीति अब जट सिखों के हाथ में है। वो जो निर्मले थे, उदासी थे, वो कॉर्नर हो गए। ये स्वाभाविक है, बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, मगर इसकी जड़ कनाडा में है। वहां इस्लामियों से, उनके आईसिस वालों से बड़े संबंध हैं। उनको तोड़ना, उनको ध्वस्त करना, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो भारत सरकार के करने का काम है। मगर सोशल मीडिया के बस का जितना, वो तो हो ही रहा है, तो कर ही नहीं। और आपने बहुत अच्छी बात कही, जोरदार बात है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा मानना है कि समस्या दिन प्रतिदिन ज्यादा विकट हो रही है, उनकी बात एकदम ठीक है, और जितना हम इसे डिले कर रहे हैं उतना ही वो सर पे चढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के कुछ लोग हैं, इस पे अलग से एक दिन चर्चा करेंगे, डिस्कशन रखते हैं इस पे।
शरद मिश्रा जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका आभार, बहुत बहुत इंडियन थैंक्स। तूफान जी प्रणाम। क्या लगता है इस्लामिक पागलपन को पैसा अब कौन देता है, या मस्जिदों का कलेक्शन सेंटर बनाया गया है? पैसा आता है, वो जो ज़कात है उससे भी काम होता है। अरब कंट्रीज, विशेष रूप से सऊदी अरब है, कतर है, वो भी देते हैं। शियों को ईरान देता है, भारत में उत्पात हो इसके लिए आईसिस पैसा देता है, ये सब तो चलता ही है, होता है। आईएसआई तो वो सब जी। साहिल गुप्ता जी हैं, आप दोनों महापुरुषों को प्रणाम जी। प्रणाम साहिल जी। नीरज जी, आपने कहा था कि ईसाइयत पर भी सीरीज शुरू करेंगे अप्रैल में। मेरी पत्नी क्रिश्चियन है, हिंदी स्पेलिंग्स में भी रॉन्ग नहीं जी। ठीक है, स्पेलिंग्स आपके। साहिल जी, यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी पत्नी क्रिश्चियन थी जब आपका विवाह हुआ, इतने समय में आप उसे हिंदू नहीं बना पाए? सवाल आपसे पूछने का है, क्यों इसकी चिंता कीजिए। और सीरीज मेरी कंटिन्यू हो जाएगी, केवल वो जिनसे एडिटिंग करवानी है उनकी मुझे थोड़ी सी व्यवस्था करनी है, जो हो नहीं पा रही कुछ कारणों से, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। वो जैसी होती है वो सीरीज आ जाएगी। हेमंत विश्वकर्मा, प्रणाम, अब्दुल कलाम पर भी मार्गदर्शन करिए जी। तो फिर जी करेंगे नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऊटपटांग हैं जो स्पष्ट नहीं है, तो उस पर बिना तथ्यों के कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। श्रीनिवास जी, यूट्यूब सदस्य बनने के लिए आपका आभार, बहुत धन्यवाद आपका। शरद मिश्रा जी, सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। सिंह हरजिंदर जी, अच्छा, इतने सारे धर्म गुरु क्या कर रहे हैं, वो हमें क्यों संगठित नहीं करते, एक प्रभावशाली प्रार्थना ही तैयार कर दें जो सभी मंदिरों में प्रतिदिन हो। हरिंदर सिंह जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और अच्छी बात कही आपने। नुकसान हुआ कि पंजाब के जो गुरुद्वारे थे उनके हाथों से व्यवस्थाएं जटों ने छीनी, मगर उसका लाभ भी है। कारण ये कि जो गुरुद्वारे थे, गुरु परंपरा के लोग, कि जी ये तीसरी पातशाही के वंश के हैं, ये चौथी पातशाही के हैं, सातवीं पातशाही के हैं, फलाने के हैं, उसके खानदान के लोग हैं, इतने भर से उनका पुण्याई तय हो गई। व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, जैसे मथुरा के मंदिर हैं, वृंदावन के मंदिर हैं, या और भी मंदिर होंगे। परिवार बढ़ा हो गया पंडितों का, पुजारियों का। स्थिति क्या है कि एक व्यक्ति की बारी 10 दिन की 11 दिन की आती है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि उस 10-11 दिन में अधिकतम पैसा बटोर सके। जो दर्शन करने आएंगे लोग, उनकी व्यवस्था उसकी चिंता का विषय नहीं होता, क्योंकि 10-11 दिन में तो कोई योजना बन नहीं सकती। कोई बड़ी योजना वो बना के राजी नहीं, उसका अधिकारी नहीं है। वो हाल पंजाब के गुरुद्वारों के भी हो गया था। जब एसजीपीसी बनी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनी, तो उसने कुछ बेसिक चीजें तय की। गड़बड़ झाले हुए होंगे, मैं मना नहीं करता, मगर पुराने गुरुद्वारे जो 1910 से पहले थे और वर्तमान में जो गुरुद्वारे हैं, उनकी व्यवस्थाओं में जमीन आसमान के फर्क हैं। दैनिक लंगर हर ऐसे प्रतिष्ठित गुरुद्वारे में हर एक को मिलता है, पहले ये नहीं था। क्योंकि लंगर आप दैनिक खिलाएंगे तो भाई वो पैसा जेब से तो जाएगा, गुरगुल्लक से ही जाएगा, उस गुल्लक पे तो एक महंत का कब्जा था। ऐसी कोई व्यवस्था मंदिरों की, अभी जैसे 51-52 मंदिर हटा दिए सरकार ने, छोड़ दिए उत्तराखंड में, मगर इससे वो व्यवस्थाएं ठीक हो गई क्या? नंबूदरी, जो बद्रीनाथ के मंदिर के महंत हैं दक्षिण भारत के, वो नंबूदरी भी 3-4-5 साल पहले दिल्ली में करोड़बाग के होटल में दारू पीते हुए महिलाओं के साथ पकड़े गए, जो पुरोहित वहां की व्यवस्था करने वाले। अब जो भी काम कर रहा है उसकी अपनी शारीरिक आवश्यकताएं होंगी, काम प्रबलतम वृत्ति है,
किसी के मानने से नहीं रुकने वाला। मैं बहुत उदास हूं और मैं मर जाऊंगा और सांस नहीं लूंगा, ये सोच लूंगा तो कहीं सांस रुक जाएगी। ऐसे ही मनुष्य की वृत्तियां हैं, तो उसके लिए कुछ अजीब सी चीजें बनाई हुई हैं, उसके नुकसान होते हैं। मगर एक ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के स्तर पर कि यहाँ के जो मंदिर हैं या उत्तराखंड के स्तर पर, उनकी कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज का योगदान, पुजारियों की आय और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लोग बड़ी सरलता से कह देते हैं कच्ची पक्की बातें, से विषयांतर हो रहा है मगर एक दो मिनट लेना चाहूंगा। हमारे एक मित्र हैं आनंद जी, आगे नहीं नाम बोलूंगा नहीं तो फिर वो, चूंकि वो यहां बात करने के लिए नहीं है, उनकी मैंने परसों पोस्ट देखी। इन सन्यासियों ने समाज के लिए कभी कुछ किया है? उन्होंने एक सवाल उछाल दिया, उसमें 150 लोगों ने जवाब दे दिया नहीं 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 नहीं। अबे पढ़ा लिखा कुछ? हल्दी घाटी के युद्ध में जो हरावल दस्ता है इसमें सन्यासी थे, लड़े हैं जमकर, सन्यासियों के 500 संघर्ष हुए हैं। पढ़ा आपने? सन्यासी बने काहे के लिए थे? सन्यासी की तुलना, अखाड़े की तुलना एक ईसाई पादरी से, मुस्लिम इमाम से मत कीजिए। ये दो भिन्न व्यवस्थाएं हैं, वो चौथेपन की व्यवस्था है। आप उससे कि वो उम्मीद क्यों कर रहे हैं जो उसका काम नहीं है? फिर भी वो जितना कर सकते हैं करते हैं जी। बनारस का जब मंदिर टूटा है तो खूब खांडा बजा है, खूब मारे गए सन्यासी और खूब मारा उन्होंने औरंगजेब की सेनाओं को, इतिहास में दर्ज है। मगर आनंद जी ने ये तो पढ़ा नहीं और सवाल ऐसे उछाल दिया जैसे इतिहास के परम विद्वान हूं। तो ये सोशल मीडिया ने बहुत सारे फालतू लोगों को उपजा दिए हैं जो पढ़ते तो है नहीं और खाम खा किसी की भी पूछ मांग लगाना पड़ता है यार। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्र का हित, जिसमें राष्ट्र के लोग और पुजारियों का हित, क्योंकि वो उनकी वृत्ति है, इन तीनों को मिलाकर कोई व्यवस्था प्रांतीय स्तर पर, सारे भारत के नहीं, फिर समस्या हो जाएगी, कोड़ हो जाएगा। हर प्रदेश में बड़े बड़े मंदिरों की ऐसी व्यवस्था बना दी जाए तो निश्चित रूप से होगा, अच्छा रहेगा, वो हितकर होगा। ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर मंदिरों में आरती तो कायदे की रखो, कुछ व्यवस्था आने वालों के बैठने की, खाने पीने की, रहने की कुछ तो करो, कुछ सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। और कोई मंदिर ऐसा है जिसमें 2 करोड़ रुपए रोज का चढ़ाव आ रहा है, कोई मंदिर ऐसा है जिसके रोज दिया जलाने के पैसे पुजारी के पास नहीं होते, इन्हें लिंक करो ना, वहां से जहां आ रहा 2 करोड़ उसमें से कुछ इसका हिस्सा निकालो, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा। Ravish Vyas ji hai, Pranam Tufail ji and Neeraj ji, with respect to criticism of Islam, we observe that it is most often met with exaggerated violence. How can this behavior be curbed? इसे curb करना है तो आपको बस सच बोलते रहिए बार बार, जितना लोग प्रखर होके बोलते जाएंगे वो अपने आप, फिर वही ऐसे पन्ने लेके बैठेंगे, वो तलवार लेके नहीं बैठेंगे। आप देखिए बहुत फर्क आ चुका है तब से अब तक जी। राजेश्वर पचौरी जी, जी राजेश्वर जी स्वागत है आपका सदस्य बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह हरजिंदर जी का एक प्रश्न और है जी, मेरा एक प्रश्न और था कि मैंने एक आईटी प्रोफेशनल किया, क्या कर सकता हूँ? मैं जब भी धर्म की और इस्लाम से खतरे की बात करता हूँ तो हिंदू फ्रेंड्स ही सीरियसली नहीं लेते, क्या किया जाए? ये ऐसा एक बड़ी जोरदार बात आपने कही, उसका कारण यह है कि लोग इस्लाम को नहीं समझते। मैं जिस किताब की बड़ी एडवोकेटिंग करता हूं कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उसको डाउनलोड कीजिए और मुझसे मुझे अगर अपना व्हाट्सएप नंबर कैसे भेज सकें तो मैं आपको भेज दूंगा। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला, अरबी, कई भाषाओं में उपलब्ध है, लोगों को पढ़ने के लिए कहिए। चैप्टर बना लीजिए, उसका पहला चैप्टर भेज दीजिए, लोग पढ़ें, आंखें खुल जाएंगी। अद्भुत किताब है, अद्भुत किताब। बल्कि एक सेकंड, मैं इस क्षण का उपयोग किए लेता हूं फर्स्ट पेज के, मैं सिर्फ 2 पहरे पढ़ना चाहूंगा। दुनिया भर में सितंबर 2001 के बाद 13,000 से अधिक आतंकवादी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में हजारों निर्दोष नागरिक लहूलुहान हो गए, न जाने कितनों की जान चली गई। कत्लेआम करने वाले कोई दैत्य नहीं थे बल्कि मुसलमान थे।
वो मुसलमान जो अपने धर्म के पक्के थे और ईमान का पालन करने के लिए सामूहिक नरसंहार जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इन पक्के मुसलमानों की तरह सोचने वाले दुनिया में भी लाखों, और वो भी मजहब के नाम पर ऐसा ही नरसंहार करने को तैयार हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुस्लिम आतंकवाद कोई नई समस्या है तो फिर से विचार कीजिए। इस्लाम अपनी सफलता आतंकवाद के हथियार से ही नापता है। मदीना में पैर रखने के दिन से ही मोहम्मद ने आतंक का अभियान शुरू कर दिया था, तब से आज तक उसके अनुयायी इसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पहले दो पैरा हैं। इसके बारे में लोग जानेंगे तो लोग रिलेट कर पाएंगे। आखिर 9/11 करने वाले, या चलिए भारत में मुंबई में जो हमला हुआ था वो तो पाकिस्तान ने कराया, 9/11 किसने कराया? प्लेन उड़ाना, कोई साइकिल चलाना है, बैलगाड़ी चलाना नहीं है, कोई भी चला लेगा, बरसों ट्रेनिंग चाहिए होती है। जिन्होंने ट्रेनिंग करके ये काम किया उनको, उनके जीवन का लक्ष्य है कि वो प्राण देंगे, और इस तरह से प्राण देंगे कि हजारों लोगों को ले मरेंगे। भारत का जो निकटतम अभी युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, कारगिल वाला, उसमें जितने लोग मरे उससे कई कहीं ज्यादा लोग मर गए ट्विन टावर में। इकोनॉमी शेक कर दी और एक भी बम नहीं लगा, दो प्लेन दे मारे। इसकी प्लानिंग कि प्लेन में इतना पेट्रोल होगा, ये टक्कर मारेंगे, इतना टेम्परेचर क्रिएट होगा, सारे सरिये गल जाएंगे, अपने वेट से ही बिल्डिंग ढह जाएगी, इसकी जिन्होंने प्लानिंग करी होगी। और 10-12-15 लोग छांटे, उन लोगों की मानसिकता इन दो पैरा से रिलेट होती है। तो आवाज तो देनी पड़ेगी। और ये हिंदुओं की स्थिति मत समझिए, सबकी एक सी है, ईसाई भी ऐसे ही, मुसलमान भी ऐसे ही है। मुसलमान अगर बड़े पैमाने पर हिंसक हो जाएं, जान आफत में आ जाएगी संसार की। वो नहीं है, मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़े हुए, मुसलमानों को इस्लाम को छोड़े हुए सदियां गुजर चुकी हैं। मोहम्मद की सुन्नत का पालन मुसलमान नहीं करते, केवल इस्लामी नाम रखते हैं, हलाल गोश्त के चक्कर में पड़ते हैं, खतना हमेशा नहीं होता, निकाह जैसा रस्म कोई जरूरी नहीं है। मैं अपने कई मुसलमान दोस्तों को जानता हूं जिनकी बेटियों की शादी कोर्ट में हुई है, नहीं किया उन्होंने। तो मुसलमान भी इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते। गाना वो सुनते हैं, फोटोग्राफ इस्तेमाल करते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, सारे सारे काम करते हैं, जो इस्लामी व्यवस्था है उसको नहीं पालन करते, बड़े पैमाने पर नहीं करते। तो मगर मुसलमानों को भी असली इस्लाम पता नहीं है, हिंदुओं को भी नहीं पता। एजुकेट तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक बात है। काफिर आजम, प्लीज सजेस्ट माय वर्क ऑन यूट्यूब। कर दिया है, कर दिया काफिर आजम जी। नाम आपका ऐसा है, बढ़िया जोरदार, काफिर आजम। काम भी किस दिन का देखते हैं क्या करते हैं। मित्र हैं हमारे, तो मैं तो जानता हूँ कौन है, इसलिए कह रहा हूँ, बढ़िया आदमी है। अच्छा ठीक है, फिर तो भी काफिर आजम सब लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए जितना कर सकते हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं, नमस्कार सर, प्लीज टेल अस द सॉल्यूशन टू रिवाइव अवर ग्रेट हिंदू कल्चर। अभिषेक जी, इतनी देर से यही तो चर्चा कर रहे हैं कि सच बोलिए, हिम्मत कीजिए, लोगों को जितना हो सके सच से अवगत कराइए, इससे अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है और इससे आसान कोई सोल्यूशन नहीं है। रवि मिश्रा जी हैं, प्रणाम नीरज जी, क्या कुरान में ऐसे कोई आयत है जिसमें मुस्लिम व्यक्ति किसी महिला के मृत शरीर से 6 घंटे तक संभोग कर सकता है? क्या इसी डर से हिंदू रानियां जौहर करती थीं? भाई दो पार्ट हैं इसके क्वेश्चन के जो आपने पूछा है रवि जी। पहला पार्ट कि कुरान में ऐसी कोई आयत है, द आंसर इज नो, कुरान में ऐसी आयत नहीं है। दूसरा जो इसका पार्ट है कि इस डर से करती थी, हाँ इस डर से करती थी, क्योंकि इस तरह इस प्रकार का उल्लेख बाकी के जो लिटरेचर है कुरान का उसमें मिल जाता है, कुरान में नहीं है। ऑटो टेस्ट, नमस्ते टू बोथ, नमस्ते जी आपको। आई गेट इस्लामिक आर डोनेट टू मॉस्क एट वाइल वॉचिंग योर वीडियोज एंड हैव टू वॉच देम फॉर 4 to 7 minutes थिंकिंग यू गेट अ पोर्शन ऑफ एड मनी, इज इट सो, आर एम आई वेस्टिंग माई टाइम विदाउट स्किपिंग द एडवर्टिजमेंट? नहीं, आप देखिए जी उस एड को, उसमें होता है कि जो गूगल एडसेंस है वो
कीवर्ड्स को पिक करता है। तो क्यों, जब हमारे चैनल पे इस्लाम की चर्चा बहुत अधिक होती है तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर इस्लाम के प्रशंसक बैठे हैं तो इसलिए वो यहाँ पर उसकी ऐड देते हैं। तो आप उसको जितना देखेंगे हमें पोर्शन मिलेगा, लेकिन आप क्योंकि उस पर जाके उनको पैसा देने वाले नहीं है तो उनका नुकसान है और हमें लाभ है इसका। तो खूब देखिए इस ऐड को लोग। मैं सभी से कहूँगा कि अगर मस्जिद की ऐड हमारे चैनल पे आती है तो आने दीजिए और उसे देखिए, पूरा पूरा देखिए, बल्कि रिवाइंड कर करके देखिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि अपने यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो उस रास्ते पे जाने वाले नहीं जिसमें उनकी वो मछली का वो कांटा फंसा के बैठे हैं, लेकिन वो उन्हें मिलेगा नहीं उसमें कुछ इंडियन थिंग्स। तो फिर जी निर्णय अगर जनता करे तब तो देश में आग लग जाएगा, तरीका दूसरा खोजने की जरूरत है, सरकारों की उदासीनता स्वार्थ की पराकाष्ठा है। देखिए भारत में प्रजातंत्र है, मैं नाम लेकर बात करता हूं, मुजफ्फरनगर, मवाना, मेरठ से लेकर सहारनपुर तक जाएं, दाएं बाएं ये सारी जमींदारियां हैं मुस्लिम पीरियड की। यहाँ जाट थे, त्यागी थे, यहाँ मूले जाट, मुसलमान जाट और त्यागी जाट हैं। औरंगजेब के काल में या और पहले के काल में या उसके आसपास इनको कहा गया मुसलमान बन जाओ, यहाँ के नवाब बना देंगे, बन गए कुछ लोग, वो मूले जाट हैं, वो मूले त्यागी हैं। आप इस समय प्रजातंत्र में राजा यानी कौन, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, वो ये नहीं कर सकता। तो इस समस्या के लिए, और देखिए जो चीज जहां खोई जाती है वहीं मिलती है, दबाव से ये हुआ था, मुसलमान बन जाओ लाभ ये है, हानि ये है, ये गला काट देंगे। तो ये जो दबाव है वो तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। देश में आग लग जाएगी, आपकी तरफ से ही तो नहीं लगेगी, दूसरे तो लगा ही रहे, कश्मीर से भगाया आप ही, 30 साल भी नहीं हुए, बिना आग लगाए तो नहीं, बंगाल के बॉर्डर से निकल रहे हैं हम, असम के बॉर्डर्स में जो हाल हो रहा है या और जगह जहां जहां आप असम, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, अपने आसपास की दो मुस्लिम बस्तियों में अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को या अपनी बहन को लेकर निकल जाइए, वो आंखें जिस तरह से देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे किले में कौन आ गया। तो आग सिर्फ आपके रोकने से या न रोकने से नहीं होने वाली, और इस समस्या से समाज नहीं निपटना है। समस्या का हल केवल एक है कि घर वापसी, लोगों को वापस करना, शुद्ध करना। तो शुद्ध करेंगे तो हंगामा तो होगा, हम लोग करते हैं ना, इन सारे कामों में लगे हैं, ये तो होगा, होता है, दबाव आता है। वो जो पन्ने पलट रहे हैं, नाम ले रहे हैं कि इनका इनका इनका, हमारा नाम तो पहले दूसरे नंबर पे होगा, हम जानते ही हैं। तो अब वो हमारा नाम न लिखें, इसके लिए हम क्या करें? हमें राष्ट्र की चिंता है, इस बात की चिंता है कि आने वाला समय, मैं आज 60 वर्ष का हूं, 10 साल 12 साल 15 साल इसके बाद मेरी आंखें तो बंद हो जाएंगी, मगर मेरा पुत्र तो होगा, नीरज अत्री जी की पुत्री तो होगी, नीरज जी का पुत्र तो होगा, और हमारे और समाज के, आप जो सज्जन ये बात कह रहे हैं, आपके परिवार के, आपके वंश के लोग तो होंगे। इनको लाहौर कराची वाला माहौल देकर जाएंगे हम ऐसा नहीं होने देंगे। मस्जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, उलझ रही हैं खुदाओं से मुट्ठियां मेरी, तो साहब उलझेंगे तो हैं। अब इसमें आग लगती है तो दूसरा तो लगा ही रहा है जी। आप पायलट के, और ये बताऊं आपको, जब बड़े पैमाने पर आग लगती है ना, ये हमारी पेट्रोलियम की गैस निकलती है, आग लगती है, तो उसे बुझाने का तरीका विस्फोट ही है, एकदम से विस्फोट होता है, आसपास की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो आग बुझाने का तरीका आग लगाना भी है, और बड़ी आग लगाएंगे तो बुझ जाएगी जी। करना पड़ेगा, इसका विकल्प नहीं है। सरकार के बस का ही काम ही नहीं है, ये हमारा ही काम है। गवर्नमेंट से आप उस चीज की अपेक्षा कर रहे हैं जिसके लिए वो सक्षम ही नहीं है, जो उसका फील्ड ही नहीं है जी। आदित्य जी हैं सर, आपको प्रणाम,
आई एम अ कॉन्वेंट एजुकेटेड एथीस्ट कल्चरली हिंदू, पर आपकी बातें इस्लाम के बारे में एकदम सच हैं, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल व्हाट कैन आई डू टू कंट्रीब्यूट। आदित्य जी, 200 रुपए को 2000 में कन्वर्ट कर दीजिए, एक तो सीधे सामने का काम है। क्योंकि ये काम जो हम कर रहे हैं, मेरे एंड से नहीं, नीरज जी के एंड से, अपना सब कुछ छोड़ के ये काम कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, ये अपना सारा कुछ छोड़ के बैठे हैं, ये 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, सब चीज छोड़कर बैठे हैं, फिर इसमें कई और लोग भी इन्वॉल्व हैं, उन सब के व्यय कहां से निकलेंगे? एक तो वो काम कर सकते हैं, दूसरे ये जो संघर्ष है, ये जब सड़कों पर उतरता है, ये उतरेगा या उतर रहा है, जहां भी हो रहा है, तो जिन्होंने धर्म के लिए पौरुष व्यक्त किया, जिन्होंने खड़ग चलाई, उनकी आर्थिक सहायता कीजिए, उन्हें अकेला मत छूटने दीजिए, वो तो जेल में चला गया होगा, उसकी पत्नी मारी मारी फिर रही होगी, उसके बच्चे की फीस है कि नहीं, उसके घर में खाने की व्यवस्था है कि नहीं, ये कठिन होगा काम, कहीं से कोई सूत्र निकालिए, इस तरह के कामों में मदद कीजिए, न्यायमंच एक सूत्र है ऐसा, वो कर सकता है, वो करता है, उसमें मदद डालिए। मगर समाज में जहां भी परिवर्तन का चक्का, क्योंकि पिछले 1400 वर्षों से सभ्यता, मानव सभ्यता इस आतंक से मुकाबला कर रही है, हम सब इसके पहिए पलटने में लगे हैं, ये रथ नहीं चलने देना है, इसके आगे अड़ना है, तो जो आनंद ले रहे हैं रथ पे बैठ के, वो ऐसी थोड़ी करेंगे, वो चाबुक मारेंगे, हंटर बरसाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो जो ऐसा कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए, जो भी आपको उचित लगते हैं, जितना कर सकते, कम से कम मिनिमम आर्थिक सहायता करिए, इससे भी बड़ा बदलाव आता है। ट्रिपल के जी, आपका सुपर स्टिकर देखिए कहां कहां से हमें आर्थिक सहयोग मिल रहा है। बढ़िया, प्रणाम शिखर। अभिषेक श्रीवास्तव जी, सर बट मेन प्रॉब्लम इज दैट व्हेनेवर समवन सेज द ट्रुथ अबाउट इस्लाम देन दे यूनाइट एंड अपोजेस दैट पर्सन। वो तो करेगा, करेंगे ही वो तो, ये तो एक्सपेक्टेड है, ये तो होगा। आप अगर ये सोचे नाम, हमारे नीरज जी के मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं, स्पार्टकस, उस बच्चे के का उठा लिया गया, 7-8 लोगों ने रेप किया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया, किसी तरह से वो अपने घर पहुंचा, तो उसके परिवार के लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ ने ये करने के लिए प्रेरित किया था। सिगरेट से जलाया है उसे मां ने। इस्लाम ऐसी मानसिक बीमारी है, तो हमारा विरोध नहीं करेंगे, अपना बेटा जिन्होंने ना छोड़ा वो हमें छोड़ेंगे, ठीक है, ताल ठोके, उसमें क्या है। सीधी सी बात, हम क्या कर रहे हैं, वो आएंगे 2 फुट दूर से चाकू मारेंगे हमारे, 15 फुट दूर से गोली मारेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हो मंजीरा बजाने के लिए, कुछ हम भी करेंगे ना, आ जा, उसमें क्या है। सही बात है। अभिषेक जी कह रहे हैं तो फेल जी 4-34 आयत सुनकर मुस्लिम फ्रेंड माना नहीं। अरे यार वो क्यों मानेगा, एक मिनट, 4-34 वो है कि पिटाई करो इनकी। हाँ, औरतों को पीटने की आयत, दिखाइए उसको, कुरान में ही दिखाइए, वो जिस भाषा में पढ़ता उस भाषा का कुरान मिल जाएगा, उसमें क्या है। मुसलमान एक बात ध्यान रखिएगा, इस्लामी लीडर ईमानदार लोग हैं, पक्के हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे, लीपापोती नहीं करेंगे, बोलेंगे हाँ है, बिल्कुल स्पष्ट है, वो बोलेंगे तो बताएंगे, उनको बोलिए इस्लाम मुसलमान खुद क्या कहते हैं। जी उदय जी हैं, अत्री जी, तुफेल जी, कीप सर्जिकल स्ट्राइक ऑन, कोटि प्रणाम जी। ये चालू रहेगा जी, जब तक सांस है तब तक ये चालू रहेगा, और तब तक इतने और बढ़ जाएंगे, जब तुफेल जी ने भी बोला कि अगर हमारी आंखें जब भी बंद होती हैं तो इतने और तैयार हो जाएंगे कि ये जो पहिया है वो पलटा ही जाएगा, चिंता मत कीजिए, होगा। हो चुके हैं, हजारों लाखों लोग हैं,
हर जगह, और मुसलमान ढेर हुए हैं, बहुत मुसलमान है इसमें। पैट ब्रोड जी, ये बड़े दिनों बाद आए हैं आज। देर इज ऑलरेडी लो स्केल वॉर गोइंग ऑन इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ओनली ऑप्शन फॉर हिंदूज इज टू प्रिपेयर एंड फाइट टोटल वॉर एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा जी कि बहुत लेवल्स पर है, बहुत सारे स्तरों पर हो रही है, और हर स्तर पे उसी ढंग से उसी तरह के जो भी औजार हथियार चाहिए उन्हीं से लड़ना पड़ेगा। मोनिका सिंह, मोनिका सिंह जी सुपर स्टिकर के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रम पुष्पम के लिए। अच्छा, कई लोग इस पे प्रश्न पूछते हैं, मैं बता दूं कि जो आप यहाँ पर ये सुपर चैट सुपर स्टिकर दे रहे हैं इसमें तुफेल जी के पास कुछ नहीं जाता है। वो जो आपको 200 रुपए का आग्रह करते हैं वो केवल इसलिए है कि थोड़ा सा एक थोड़ा सम्मानित कुछ ऐसा लगता है उसमें। ये नहीं कि कम पैसे देने से किसी का मान कम हो जाता है, ऐसा कतई नहीं है, पर इनमें उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, ये आपको पता हो, सबको स्पष्ट होना चाहिए। नीरज अत्री हो या कोई और भी हो, सारे हम सब गुथे हुए लोग हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो इतने ही बस है। और वैसे भी मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे पूर्वजों ने इतनी कीर्ति इतना वैभव दिया है कि अभी नहीं भी काम करूंगा बिल्कुल तो भी मेरा जीवन, मेरे बेटे का जीवन तो चल ही जाएगा, तो वो प्रभु कृपा है, उसमें कोई बात नहीं। मगर जो भी राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है उसको इस कार्य करने के लिए इतनी शाबाशी तो दीजिए, सिर्फ ये बात, और कोई कारण नहीं। गोहिल महेश जी, हमारी पाठशालाओं में परोसे जा रहे झूठे जहर को बंद करने का कोई उपाय बताएं, भारत की सभी समस्याओं की जड़ वही है। शायद अभी जो कोर्स में बदलाव की बात सरकार ने की है और उस पर काम चल रहा है, तो उसमें कुछ हुआ है, कुछ अंतर आया है। एक झपट में गांधी का प्रवेश राजनीति में जब से हुआ है तब से लेकर अब तक 100 साल हो लिए, 100 साल की जो समस्याएं हैं उसको एक झपट में उम्मीद मत कीजिए, धीरे 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 ढा रहे हैं, हो रहा है बदलाव, और आप हम सब ये सवाल करेंगे तो और तेजी से होगा। पहले तो कोई सवाल करने का तरीका ही नहीं था, ना तो कोई सवाल करने का तरीका था, और करना चाहे तो करे कहां, बोले कहां, अखबार छापेगा नहीं, टीवी वाले बुलाएंगे नहीं, सब सरकार के हाथ में, तो सुने कौन। आज जो दहाड़ मारते हैं हम, तो देखिए आज ही ये हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये इंटरव्यू या ये बातचीत एक 15 दिन में 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्थायी है। नीरज जी के चैनल पर या मेरे चैनल पर जब मर्जी आगे जाके चेक कर लीजिए। टीवी की जो बहस, जो बहुत 30 मार्का बहस होती है जिसमें 2 मिनट कोई किसी को बोलने नहीं देता, दूसरा एक दूसरे की जबान खींचता रहता है, वो भी बहस खत्म होते ही खत्म नष्ट हो जाती है। तो ये स्थायी बहस करने का एक आधार मिल गया, लगातार हो रहा है, तो अब तरीका मिला है तो बदलाव आ रहा है, लगातार मुकर रही है। आप अपनी जिम्मेदारी भी समझिए और जहां जो बस का है, जहां दबाव दे सकते वहां दीजिए। मजहब रिलीजन के मार्ग में सिर्फ एक्सेप्ट करना है, आपके सभी पाप धुल जाएंगे। ये अट्रैक्ट करता है समाज को बुरे कामों से बचने, जबकि धर्म का मार्ग बहुत कठिन है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और इसीलिए वो सिंपल है और अट्रैक्टिव है, ठीक बात है, आपका एनालिसिस अच्छा है यमन जी, ठीक कह रहे हैं। सिंह हरजिंदर जी का क्वेश्चन एक और आया है, कुरान में 78:31-33 में कहा गया है कि मोमिनों को बिग ब्रेस्ट वाली वोलप्चस वर्जिन्स मिलेंगी, इस वर्स को लोग हाईलाइट क्यों नहीं करते, क्या मुस्लिम्स जानते हैं इस वर्स के बारे में। जी हरजिंदर जी, इसमें वो क्या करते हैं, एक तलाकी जो मैं आपको बताता हूँ जब तक तो फेल जी खोल रहे हैं कुरान को, कि वो इसमें क्या करते हैं, थोड़े थोड़े ट्रिक अपनाते हैं, कहीं बिग ब्रेस्ट को बिग आईज बना देते हैं, वाइड आइड हूरीज बना देते हैं, तो इस तरह के चालाकी वो कर रहे हैं। और जो दूसरा पार्ट है आपका कि वो पढ़ते नहीं है या पढ़ते हैं, वो सब समाज एक जैसे ही है, अपने ग्रंथ मोस्टली लोग नहीं। मेरे पास जो कुरान है
ये मक्तवाला स्नात का, जिसका तर्जुमा किया है इसमें 31 से 33 का है ना, निसंदेह डर रखने वालों के लिए सफलता है, बाग है और अंगूर है और नवी युवतियां समान आयु वाली, बिल्कुल ही लिपापोती कर दी है। जो पुरानी सत्यार्थ प्रकाश है उसमें यही है, भरी भरी छातियों वाली ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल क्लियर। तो उन्होंने उस समय की पकड़ी तो रगड़ मारा, तो उन्होंने उसमें लिपापोती कर दी। ये चलाकियां कुरान में अच्छे खासे बदलाव आए हैं आर्य समाज की वजह से, इन्होंने बहुत सारी इनकी आयतें उतरवाई हैं, ठीक करी हैं। तो ये तो है, ये तो है जी। मोहित जी आभार पत्रम पुष्पम के लिए, बहुत बहुत आभार आपका मोहित जी। अच्छा ये तो हमने ले लिया। रंजीत सिंह जी हैं, प्लीज हमें आपने सनातन धर्म की शिक्षा दें, मैंने अपने ऑफिस में बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों को अपना व्यू बताया और वो इंटरेस्टेड हैं। बहुत बढ़िया। आर्य समाज के किसी आचार्य को पकड़िए उसके जरिए से बात कीजिए, जो मुसलमान दोस्त हैं आपके वो शुरुआती दौर में आर्य समाज के माध्यम से ही पकड़ में आएंगे, उनके लिए वही तरीका उपयुक्त है जी। अभिषेक जी कह रहे हैं सर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन रिजेक्शन ऑफ, ये तो हम बात कर चुके हैं अभिषेक जी, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, वो तफसील से बताया है तो फिर जी ने, थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा आप वसीम रिजवी वाली पिटीशन के बारे में। पूनम जी यहाँ पर पूछने से अच्छा है आप अपने बच्चों से बात करके उन्हें खुद सिखाइए, सब कोई आपके बच्चों को सिखाए, बच्चे आपके, आप क्या कर रहे हो। हाँ ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत सही बात पूनम जी। पोल्ट्री नॉलेज एंड न्यूज प्लीज एवरीवन शेयर वीडियो एंड शो योर पावर। हाँ ये दूसरा उपाय ये है कि ये जो हम कर रहे हैं इसको आप शेयर कीजिए लोगों के साथ अधिक से अधिक, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। काफिर आजम नमस्ते नीरज जी, इफ समवन नोज अबाउट दिस कर्ट देन प्लीज सजेस्ट, दीज आर लॉट्स ऑफ सिंपल वीडियो। हाँ काफिर आजम जी हमने बोल दिया, अब बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, लोगों से एक बार निवेदन है कि काफिर आजम जी का जो चैनल है उस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए उन्होंने वीडियोज बनाए, आप उनको देखें और लोगों में प्रसारित करें। LKS with cowards sitting in government, arms license provision is not granted by government easily. With corrupt police department, how can we inspire fellow Hindus to arrange arms? Most shy away due to apathy of government. ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बात सही कह रहे हैं। 1760 में अंग्रेजों ने बनाया था ये आर्म्स एक्ट, और उसके बाद हमारे शस्त्र नहीं तो हम अपनी मर्जी से शस्त्र रख सकते थे, हमारे शस्त्र रोके गए, और उसके बाद भी ब्रिटिश पीरियड में और जो शुरुआती दौर था उसमें बहुत बेहतर था। मेरे पिता का लाइसेंस नहीं, मेरे दादा का शायद गवर्नर का साइन किया हुआ था, सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की गवर्नर, तो फिर वो अनलिमिटेड कैट्रिजेस होते थे, जितने मर्जी आए कारतूस रखें, अब तो 50 कारतूस और एक बार में शायद 10 से या 20 से ज्यादा नहीं लेने देते। ये बात बिल्कुल सही है, सरकार पर दबाव डाली, हम भी डाल रहे हैं, सरकार हमारी रक्षा नहीं कर पाती, एकाध नहीं 50 उदाहरण हैं, सामने से बंबई के पास में सन्यासियों को मार दिया गया, इनके पास अगर पिस्तौल होते तो क्या होता, सरकार हमारी रक्षा नहीं कर पा रही, और हमसे जब वेपन लाइसेंस आता है तो उसमें पुलिस की रिपोर्ट भी लगती है, हमारे पास कोई गलत बात हो, हम कोई लफंगे बदमाश लुच्चे हों, मुख्तार अंसारी के इतने लाइसेंस बन सकते हैं, जो सरेंडर भी हो गए, गवर्नमेंट डीएम का ऑर्डर भी लगा है 25-30 साल पुराना, उसके बावजूद वेपन उसका जब्त तो नहीं हुआ, और जो सभ्य लोग उनको लाइसेंस नहीं दे रहे, आप रक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो समाज इस शस्त्र के लाइसेंस को खत्म करिए, या इस जो सिस्टम है इसको आसान कीजिए, ये बात बिल्कुल वाजिब है और इसे लगातार हम लोग भी उठा रहे हैं, आप लोग भी उठाइए, बदलाव तो आना चाहिए, समाज के पास अपनी रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक बात है।
अनुज जी, व्हाई वी कैनॉट हैव सेंट्रल एजेंसी फॉर आवर रिलीजियस अफेयर्स? ये तो नहीं होगा अनुज साहब, इसलिए नहीं होगा कि भारत में जो मूल दर्शन है, वैदिक दर्शन, बौद्ध और जैन दर्शन, मूलतः उसके विरोध में चले दर्शन है, जिसे सनातनी कहते हैं आज, ये स्वयं मूल के दर्शन के विरोध में चला दर्शन है। मूर्ति पूजा ओरिजिनल में कहाँ है? ये तो सब बात का मामला है, बुद्ध के साथ आया है, तो ये सब अमेंडमेंट्स हैं, और भारत इस बात को स्वतंत्रता से लेता है। मगर इसके साथ कि इस दर्शन के विरोध में हिंसक कि तुम जो मैं कह रहा हूं वही सही है, नहीं मानोगे तुम गला काट दूंगा, ऐसे दर्शन दंडित होने चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। मगर भारत के दर्शन रोके नहीं जा सकते, यहाँ तो बहुत सारे चिंतन है, बहुत सारे चिंतन है, ये हमारा स्वभाव है। बल्कि सेंट्रल एजेंसी जो बनी भी है, जो माइनॉरिटी अफेयर्स, वो खत्म हो जानी चाहिए। इंडियन थिंग्स के एपिसोड की शुरुआत में कुछ वैदिक ज्ञान दिया जा सकता है ताकि लोगों का ज्ञान भी बढ़ सके? कठिन काम है जी, उसको अलग से ही देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चल सकता। हर समाज के किसी विद्वान को इसके लिए पकड़ना पड़ेगा, वो विद्वान होने के साथ साथ अनडवान भी होते हैं, अनडवान मतलब बैल, उनको मजा आता सींग मारने में, तो ये हाहाकार मचा देंगे। संजय जी ने बुलाया उनको, मैन पालार जी को, उन्होंने बहुत बात मचाया, वो उद्धव किया कि संजय जी तौबा बोल गए। तो आर्य समाज के विद्वानों के साथ वो ही बता सकते हैं, और वो बताने के साथ साथ लठिया घुमाएंगे, उनके स्वभाव का हिस्सा है, मैं स्वयं आर्य समाज इसलिए जानता हूँ। तो ये तरह खतरनाक काम है जी। यश चौधरी जी हैं, चमत्कार होते नहीं किए जाते हैं, ससुरो सभी हिंदू जिम जाओ, योग करो, नीरज जी की पुस्तक पढ़ो, अपनी इनकम का 10% नीरज जी जैसे वीरों को दो, और अगर तुम दे नहीं सकते तो वीडियो सबको शेयर करो। अरे वाह यश जी, यश जीते रहिए, सुखी रहिए, बहुत बढ़िया बात, मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। एक बात और, तुम जितने स्मार्ट हो, शादी हो गई कि नहीं? नहीं हो गई है तो प्रण करो कहीं से एक मुस्लिम लड़की को शुद्ध करके, उसे गौरवान्वित करके, गर्व धारण करने वाली श्रेष्ठ हिंदू बहु बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही मजा आया देख के। इतना काम करो, आज संकल्प करो, अपने मित्रों से भी संकल्प कराओ। जब ये अनवर और असलम, शशांक और मयंक बन सकते हैं, तो शशांक मयंक और यश को अनवर असलम बनने में क्या दिक्कत है? ये करें इस काम को, पराक्रम दिखाएं, लगो, बहुत आसान है, वो तैयार बैठे हैं। नियत साफ हुआ दो लोगों को। सुगा जी, सर कैन यू चेक मेल अगेन, आई वाज कीप आस्किंग अबाउट कुरान इन हिंदी एंड वेयर यू शुड आई बाय आवर रिलेटेड बुक रिगार्डिंग इस्लाम लाइक हदीस एंड ऑल। ये सुगा जी मुझे 2-4 दिन दीजिए, मैं एक व्यवस्था कर रहा हूँ, ताकि मैं सारी ये जो किताबें मांगी जाती हैं उनको मैं एक वेबसाइट पे डालने वाला हूँ, ताकि मुझसे बार बार मांगने की बजाय आप वहां जाएं और डाउनलोड कर लें। बस मुझे 2-4 दिन दीजिए, मैं नंबर बता रहा हूँ जी, मक्तवाल असनाद का, ये दिल्ली का है, 011 लगेगा, 23271845, एड्रेस है 3004/2 सर सैयद अहमद रोड दरियागंज, वहां से ये मिल जाएगी आपको। इसमें 50% मेरे ख्याल से डिस्काउंट मिलेगा। आजकल ये हिंदी इंग्लिश और अरबी एक साथ नहीं है, आपको हिंदी और अरबी मिलेगी या इंग्लिश और अरबी मिलेगी, तो इस किताब को वहां से मंगा लीजिए, नंबर मैंने आपको बताया, मक्तबाल असनाद से लीजिए। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद नेट पर डाउनलोड हो जाएगी, अंग्रेजी में वहां है, हिंदी में है, अरबी में है, उर्दू में है, बंगला में है। ना मिले तो मुझे दीजिएगा अपना नंबर, मैं आपको भेज दूंगा, किसी तरह से उपलब्ध करा दूंगा, कोई कठिनाई नहीं, बड़ा आसानी से हो जाएगा, हम कर देंगे। इस्लामी साहित्य को जरूर पढ़िए, यही यही समस्या का हल है, आपको सच पता होना चाहिए। जो मैं बात तो फिर जी मैं 2-4 दिन में कर दूंगा व्यवस्था इनके लिए, ताकि वहां से डाउनलोड कर लिया करें, साइट बना दूं, मतलब एक मैं ऐसा व्यवस्था बना रहा हूँ।
अजय सैनी जी कह रहे हैं, सर फ्यू ऑफ माय फैमिली मेंबर्स हैव मुस्लिम फ्रेंड्स एंड स्टिल बिलीव दे आर गुड एंड डोंट बिलीव इन वायलेंस, प्लीज सजेस्ट हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड द ट्रुथ। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, किसी मुसलमान के व्यवहार को देखकर इस्लामी व्यवहार को मत समझिए। मुसलमान तकिया करने में उस्ताद होते हैं, उनको ट्रेंड किया जाता है, फिर दूसरे सामान्य मुसलमान भी नहीं जानता सच। बट उसी इस्लामी समाज में आपने देखा होगा 9/11 के बाद जो लोग मारे गए अट्टापट्टा जो थे उनके नाम की टी शर्ट्स कौन था जो पहनता था सारी दुनिया में? ये बचकर आतंकी वारदात करके किन समाजों के अंदर छिपते हैं, कहां रुकते हैं, इनको फंड्स कौन देता है जो लगातार अमेरिका में बैठ के प्लेन चार उड़ाना सीख रहा है और जिसका लक्ष्य है कि साल दो साल तीन साल के अंदर 9/11 उसे करना है, उसके लिए पैसा कहां से आता है? तो थोड़े ही हो संख्या में, मगर ये मूलतः इस्लामी समाज का ही कर्तव्य है और इस्लामी समाज इस्लाम की अपनी व्याख्या करता है। पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ तो 70% के आसपास लोगों ने शरिया मांगा, सर्वे में जितने लोग सम्मिलित थे, मगर जो शरिया मांगने वाली लाने का वादा करने वाली पार्टी है वो एक एमएलए के लिए तरस जाती हैं, यानी उसको वोट नहीं देते, उनकी हरकतों को वो सही नहीं मानते जबकि वो शरिया की बात कर रही है। तो मुसलमानों ने जो 70% से ज्यादा शरिया चाहते हैं उन्होंने शरिया के अपने मतलब निकाल लिए हैं, सच वही है जो वो इस्लामी पार्टी कर रही है। जमात इस्लाम की कोई औकात नहीं पाकिस्तान में, उसका कारण यही है कि वो, मैंने आपसे कई बार कहा और शायद ये बात कन्विंसिंग भी लगेगी आपको कि मुसलमानों को इस्लाम छोड़े सदियां बीत चुकी हैं, वो मोहम्मद की सुन्नत को नहीं मानते। कौन मुसलमान है जो 6 साल की बच्ची से 51 वर्ष की उम्र में शादी करता है, या जो अपनी 6 साल की बच्ची को 51 वर्ष के आदमी को देगा? कोई नहीं करता। पुत्र वधू से विवाह कौन करता है? 15 साल बड़ी औरत से शादी कौन करता है? कौन गले काटता है? कौन लोगों को चाकू मारता है? ये सब नहीं होता। असली इस्लाम यही है। मुसलमान बेसिकली इस्लामी नाम रखते हैं, कभी कभार नमाज पढ़ने चले जाते हैं, कोई सामने मुसलमान न बैठा हो तो बड़े प्रेम से शराब पीते हैं खूब तबीज से। अगर मुसलमान होगा तो एक दिन से नहीं नहीं ठीक तो बात करेंगे, ब्याज सब लेते हैं, सारा बिजनेस भी चलता है, सारी इस्लामी व्यवस्थाएं जो मुसलमान इस्लाम कहता है वो नहीं मानते। तो इस्लाम के बारे में जो धारणाएं हैं मुसलमानों की, उन्होंने भी हिंदुओं की तरह उसकी अपनी व्याख्या कर रखी है जी। अच्छा, अब मैं दर्शकों से एक निवेदन कर दूं कि लाइव काफी लंबा हो गया तो फेल जी को भी विश्राम चाहिए होगा, अब प्रश्न पूछने बंद करें क्योंकि और प्रश्न हम नहीं लेंगे, जो आ गए बस उन्हीं को एक बार ले लेते हैं फटाफट से। आई लव आइसलैंड, कल के डरपोक हिंदू हैं, आज हम हिंदुओं के ऊपर कैसे इतना अत्याचार कर रहे हैं? मुझे लगता है मुल्ले ह्यूमन रोबोट हैं जो उन्हें बता दिया, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार। एनालिसिस तो ठीक है जी, जूझे बिना तो कुछ नहीं होगा। LKS, आप दोनों और सभी श्रोताओं को महादेव और शक्ति प्रदान करे, हर हर महादेव सभी को। आई हैव अर्जेंट कॉन कॉल सो आई हैव टू लीव। जी जी LKS जी, बहुत बहुत आभार आपका। द अरेबियन प्रॉफिट, सर वाई माई प्रीवियस सुपर चैट क्वेश्चन वॉज इग्नोर्ड, आई एम सॉरी अगर इग्नोर हो गया जी, मैं देख लेता हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो मैं अभी दे देता हूँ आपका प्रश्न। अच्छा, ये 179 रुपीज क्या है? ना 180, ना 150, ना 200, 179। इसका क्या मतलब है? नीर के कुरान के बारे में भी आयत बाय आयत जानकारी दें तो बहुत मेहरबानी होगी जी। इसमें आप मेरी इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज देखिए, उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। और दूसरी चीज के जो आयत दर आयत है वो भी हम करने वाले हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। सुगा सर, टुडे वी हैव कन्वर्सेशन विद स्पार्टाकस उमर, नॉट स्पार्टाकस और कोहराम दोनों आने वाले हैं आज जी। और अब ये जो एक आध प्रश्न पहले से आया था वो रह गया है। राम जी हैं, आई वांट टू स्पॉन्सर अ बेटर कैमरा एंड इंटरनेट वीडियो सेटअप फॉर तुफेल जी, हाउ टू सेंड कंट्रीब्यूशन? आपने $10 यहाँ भेजे नीरज जी को, ये मुझे को मिले ऐसा मानकर चलें। कैमरे की समस्या नहीं है मेरे पास, मैं जो अपने लिए बैठता हूँ वो
मैं इस ये जो मोबाइल है इससे करता हूँ, मुझे इसी से आता है, कंप्यूटर से आता ही नहीं। यहाँ तो इन्होंने लिंक भेजा तो मैं बैठ गया, बाकी मुझे आता ही नहीं है, ये मेरी समस्या है। और मैंने इससे लगाया तो कई बार साउंड चली जाती है, ये मेरे ख्याल से एक ही बढ़िया वाला माइक है, अगर अब इससे ही साउंड नहीं आ रही तो बताएं क्या करूं, मुझे आता नहीं है, मैं बिल्कुल ही डफर हूं इस मामले में। मैं उस्ताद आदमी कुरान का हूं, इस्लाम का हूं, उस पे उस्ताद हूं, शायरी में बढ़िया आदमी हूं, मगर ये जो इंटरनेट के झमेले हैं ये सब नहीं आते मुझे। और जो मुझे सिखाने वाला है मेरा एक पोता समझिए, शागिर्द का शागिर्द है, वो आजकल बैठा है राजस्थान में इंटीरियर में, तो वो कमबख्त यहाँ आए, उसके घर वाले आने नहीं दे रहे, यहाँ आए तो फिर मुझे सिखाएगा, मुझे कुछ नहीं आता। ये हद तक है कि वो क्या होता है, वो ट्विटर अकाउंट बने बरसों हो गए, हमें ट्वीट ही करना नहीं आता, जानते नहीं करें कैसे, तो अब वो कोई सिखाया आके तब होगा जी। ये है मामला जी, ये अरेबियन प्रॉफिट का एक जो प्रश्न उनका छूट गया जी, वो कह रहे हैं प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ बंगाली हिंदूज हु आर नॉन वेजिटेरियन इन द नेम ऑफ माँ काली, इजियर टू फाइंड अ वेजिटेरियन मुस्लिम बट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ वेजिटेरियन बंगाली। अच्छा ये विषय हमारे लेने का शायद है नहीं। फिर ये भी कि खान पान में मांस खाना और मांस ना खाना, इसके अपने आंचलिक परिवेश, जैसे दिल्ली में, पंजाब में नवरात्र के दिनों में मांस प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, इसको विशेष रूप से। राजस्थान में राजपूतों में विशेष रूप से मांस बनता है नवरात्र में, रोज बलि होती है। तो अब दोनों ही शाक्त क्षेत्र हैं, पंजाब में भी शाक्त परंपरा है, मगर वहां की पंजाब की शाक्त परंपरा प्याज लहसुन मांस को नहीं उचित मानती, राजस्थान में खाया जाता है। इससे अगला चरण बिल्कुल बगल में, तीन प्रांत एक जैसे हैं, राजस्थान, गुजरात और सिंध, गुजरात में नहीं खाया जाता, गुजरात के राजपूत मांस खाते हैं। तो उसके बारे में हम अपनी हिसाब से कुछ बात करें, और कम से कम हमको हस्तक्षेप न तो हमारी क्षमता है न हमको उस दिशा में जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ये विषय हमारा नहीं है। बंगाली मांस खाते हैं, ठीक, खाएं नहीं खाते नहीं खाएं, बंगाल में कोई खाता है उसकी इच्छा, नहीं खाए नहीं इच्छा उसकी इच्छा। हम पहले ही इतना बटा हुआ समाज, इसमें एक बवाल और खड़ा करते हैं ये जरा गड़बड़ हो जाएगा जी। जी अच्छा, कुछ दर्शकों के जो प्रश्न है वो आए थे गूगल पे से, मैक्सिमम का तो कंट्रीब्यूशन है, ज्यादा प्रश्न नहीं है। प्रश्न कंट्रीब्यूशन शो कर दीजिए, जिन्होंने दिया है आना चाहिए सामने जी। आर्यमान चेतस, what should be the way to deal with the vocabulary jihad and poetry jihad? I see the impressionable minds being influenced by these a lot. Bhartiyata ke ras ko rokne ke liye ye ati avashyak lagta hai. Iska kya upay hai? Aryaman, pyare Hindu bahut hi duffer hain. Amar Ujala wale mushaira kar rahe hain Lucknow mein. Last year ki baat hai. Logon ne mujhse bataya ki usme wo नवाज देवबंदी टीम में है, नवाज का शेर है, हमें तू गजनवी का हौसला दे, हमें तू गजनवी का हौसला दे, मुसलसल हार से तंग आ गए हैं। अच्छा, नोएडा अथॉरिटी मुशायरा करवाना चाहती है, हमें उन्होंने अप्रोच किया तो उनके एक डीसीओ थे, वो मुझसे ऑलमोस्ट लड़ लिए कि नवाज बुलाया जाएगा। मैंने कहा साहब मैं अरेंज करूंगा तो नहीं बुलाऊंगा। अच्छा, मुश्किल ये थी कि चेयरमैन ने और जो सीईओ थे एक साथ, वो दोनों हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा, तो डीसीओ हम पे हेकड़ी तो दिखा नहीं सकते थे, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, हमने शेर सुनाया कि ये शेर पढ़ते हैं, बोले वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा यहाँ नहीं पढ़ेंगे, मैं मेरा बस चलेगा, मैं उसकी खबर खोद के वहां पर घुस भर दूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इसने ये सुअरपन का शेर कहा है, जहां मेरे बस का होगा जख्म लगाना मैं जरूर लगाऊंगा। नवाज मेरे दोस्त हैं, मेरे घर ठहरते रहे, मिले हैं खूब, मैं उनके मुशायरों में गया, वो अलग बात है, मगर नवाज की इस सुअर बन को माफ कभी नहीं करूंगा। अब ऐसे आदमी को दैनिक वो अमर उजाला वाले बुला रहे हैं, और अमर उजाला वाले उनके लोगों ने मुझसे कहा, मैंने बता दिया, तो उन्होंने कहा साहब इसका रेफरेंस दीजिए। मैंने कहा नवाज देवबंदी का रेफरेंस जिस जमाने का शेर है, उस जमाने में नेट नहीं था, मोबाइल ही नहीं था, कहां से आएगा पुराना, और अब वो शेर का जिक्र भी नहीं करेगा।
जो उस शेर के इस्तेमाल का मुल्लाओं में अपने आप को एस्टेब्लिश करने का पीरियड था वो कर चुका, अब काहे को अपनी मौत बुलाएगा। ये तो आपको देखना होगा, आप मुझे प्रमाणिक मानेंगे कि नहीं। नवाज जितना प्रमाणिक तो मैं हूं ही, एक साथ के हम लोग और शायरी में भी उससे ज्यादा किताबें मेरी हैं, उससे ज्यादा बड़ा काम है, मैगजीन निकालता रहा हूं, उससे ज्यादा प्रतिष्ठित नाम हूं मैं। मैं कह रहा हूं ये उसका शेर है, आप उससे सीधे पूछो ये है कि नहीं तेरा। नहीं मैं रेफरेंस निकाल के दूं, काय को निकाल के दूं, मेरी बला से चूल्हे में जाए दैनिक अमर उजाला वाले, मुझे क्या जरूरत आ रही है, मैं खामखा ये नहीं करता फिरूं। ते आप साहब दें रेफरेंस, मतलब ये सारी खुराफात मैं क्यों करूंगा, मुझे क्या जाना है, मैंने आपको बता दिया। तो ये वोकैबुलरी जिहाद और पोएट्री जिहाद इस तरह की जो बातें हैं उसके खिलाफ लोगों को आवाज उठानी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। आखिर राहत इंदौरी को, मुनव्वर राणा को जो बेसिक अच्छे पैसे पेमेंट मिलते हैं वो तो सरकारी मुशायरे हैं, उसके लोगों को नहीं पता कि कौन लोग अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। अच्छा नहीं जानते हो तो ढूंढो, किसी ने भी एक लिस्ट बना दी बुला लिया। तो सिर्फ वाहवा करने के साथ वो कर क्या रहा है ये तो देखोगे, कितना जहर बो रहा है, तो उसके जहर के खिलाफ तो कम हम ही को करना पड़ेगा। तो लगातार उलझ नहीं है, खुदाओं से मुट्ठियां मेरी मस्जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, तो ये तो काम हमारा है करेंगे। इससे नुकसान होगा क्योंकि जब मुनव्वर राणा को कहीं नाम देना होगा तो तुफैल का नाम काटेगा पक्का है, तो ये नुकसान तो उठाना पड़ेगा। मोहित जी सुपर स्टिकर के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय तिवारी जी आपका भी अभिनंदन ये सहयोग देने के लिए, और आरवीआर जी आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। रवि गिरी जी आपका आभार है। संदीप साई जी योगदान के लिए धन्यवाद। नाम नहीं उभर रहे इनके, नहीं नाम दिखाई गूगल पे पे आए हुए हैं मेरे पास वो। अच्छा, नाम अच्छा, जी अच्छा ठीक। दुष्यंत जी कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का लिंक नहीं मिल रहा है, तो तुफेल जी ने अभी बताया है कि आप इनका व्हाट्सएप नंबर मुझे आप ले लीजिए कहीं, मतलब प्रकट मत कीजिए, और फिर वो मुझे भेज दीजिए, मैं भी भेजता हूँ। हाँ ठीक है, आप अपना दुष्यंत जी अपना यहीं पे डाल देंगे अगर चैट में ही, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। आप अपना नंबर डाल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, अभी भेजता हूँ तुरंत। और वैसे भी यहाँ आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहां डाल देंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। सचिन जी आपका भी सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और सूर्यकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम आज का ये लाइव, हमने जितनी आशा थी उससे फिर से अपेक्षा से मैं ज्यादा लंबा समय हो गया। अनिल भारती जी, अनुपमा पटेल जी आपका बहुत बहुत आभार। हर्षा भवसर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रम पुष्पम के लिए, सहयोग के लिए। और आप सबसे निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें, जो भी हम यहाँ बात आपसे शेयर कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ये आपसे निवेदन है। और तुफेल जी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, और पूर्णतः स्वस्थ हो रहे, फिर हम और ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे, लोग दर्शकों को बहुत आनंद आता है। गलत बात के विरोध में लड़िए, मुरारी बापू जहां दिखे खोपड़ी में ईंट दे के मारी है कि तेरी अली की ऐसी तैसी, एक आध जगह पिट जाएगा जिंदगी भर को सब सुधर जाएंगे। ये चित्रलेखा जैसी चुड़ैलें मेकअप करके चली आ रही हैं बातें करने, राधी जी राधी करने के, इनके अचिक तैसी, तो ये मगर ये आपको करना तो पड़ेगा, लड़िए समाज बदल जाएगा। और ये धारा रुकती नहीं किसी से, मेरी गर्दन कट के या मेरी गर्दन जोड़ के कुछ नहीं होने वाला, आवाज नहीं बंद होती है, वो जमाने गए, उससे आगे आ चुका समाज, निबट जाएगा ये। ठीक है तो ठीक है जी, इतनी श्री करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।